हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आई होप आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं इसको, क्योंकि अगर आप एक भी दिन मिस करते हैं वो आपका लिंक तोड़ देता है यार। उसके बाद ना वो बात नहीं आती है फिर पढ़ाई में। ओके, सो अगर कोई चीज मिस हो भी जाए ना, तो अगेन यूपीएससी का जिस तरह का पैटर्न हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, न्यूज पेपर एनालिसिस मिस मत करना। बाकी चीजें मिस हो जाए ठीक है, बट न्यूज पेपर नहीं। ओके, 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो ना, कहीं भी बिजी हो। एनीवे, आज डेट है 7 फरवरी, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूसीसी बिल टेबल किया गया है, उत्तराखंड में पास भी हो ही जाएगा, मेजोरिटी है। बट देखिए, ये स्टेट लेवल पर है तो चलिए हम इसके कुछ प्रोविजन देखेंगे। बट मेंस 450 प्लस में आपको मैंने यूसीसी पर एक लेक्चर दे दिया था, ठीक है, विद रिगार्डिंग कि हमें इसकी नीड क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, ठीक है, यानी कि इसकी यूटिलिटी और इसको इम्प्लीमेंट करने में अलग अलग चैलेंजेस क्या आएंगे। चैलेंजेस फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, लाइक रिलीजन इज वन एंगल, बट मोस्टली क्या है कि मीडिया में जब आप सुनते हो तो आपको मुस्लिम्स एंड ऑल यही सब बातें सुनाई जाती है, बट ये ट्राइब्स के कल्चर पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। याद कीजिए अपने 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल के प्रोविजन, वो ऑटोनमी देते हैं इन ट्राइब्स को, ठीक है, इनकी कल्चरल प्रैक्टिस, इनके कस्टम्स, इसके अकॉर्डिंग। नागालैंड में तो इवन लॉ भी इनके कस्टमरी लॉ के हिसाब से चलता है। कुछ साल पहले तक वहां पे वीमेन इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती थी पंचायत लेवल और अर्बन लोकल बॉडीज के, फिर वो अलाउ किया गया धीरे धीरे। उसी तरीके से हम पंचायती राज एक्ट लेकर आए, उसके बाद हमने उस टाइम लागू नहीं किया जब पंचायती राज एक्ट आया 73rd 74th अमेंडमेंट, नो, हमने बाद में 96 में अलग से पैसा एक्ट इनेक्ट किया और शेड्यूल एरियाज में एक्सटेंशन देने का पार्लियामेंट पंचायती लॉज को, राइट। तो ये सारे एंगल्स हैं यूसीसी में इंडिया लेवल पर, जो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से देख लेना, नोट्स बना लेना। इसे कुछ प्रोविजंस देखते हैं, अगेन काम का नहीं है, बट आप जैसे आप लोग होता है ना कि आप स्विमिंग पूल में उतर रहे हो या समंदर में जा रहे हो, तो पहले इंसान एक पैर आगे करके गहराई नापता है, बस वैसा ही अटेम्प्ट है ये। नेशनल लेवल पर तैयार किया जाए कुछ, उससे पहले एक स्टेट में तैयार करके देखते हैं कैसे वर्क करता है, क्या रिएक्शन आता है हर तरफ के लोगों से और क्या क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं इंप्लीमेंट करने में। ओके, तो इसके कुछ फीचर देखते हैं। सबसे पहले लिव इन कपल्स के लिए, लिव इन कपल्स में इन लोगों ने एक चीज ठीक की है कि हाँ, हम रेकग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी बदल रही है वर्ल्ड ओवर, नॉर्म्स बदल रहे हैं, ठीक है, लिव इन में रहिए, बट मैंडेटरी यू हैव टू रजिस्टर, ओके, आपको रजिस्टर करना होगा कि आप लिव इन पार्टनर्स हैं, आप लोग साथ में रह रहे हैं। एंड गुड थिंग इज कि अगर लिव इन पार्टनर से आपको चाइल्ड होता है, ठीक है, तो बिल्कुल लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा आपका और उसको भी सारे जो भी राइट्स मिलते हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। ये अच्छी चीज मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कुछ रियल लाइफ के केसेस ऐसे भी हैं जहां पर डिवोर्स केस चल रहा है, और अब मैं आप एक पर्सनल लेवल पे बता दूंगा, ठीक है, कि वाइफ, ये वाइफ का स्टैंड ऐसा है जैसा कि जबलपुर हाई कोर्ट में जज ने कहा वाइफ को, आपको साथ भी नहीं रहना है और आपको डिवोर्स भी नहीं देना है, तो फिर आप चाहते क्या हो, ओके, उसका बस इतना है कि हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं होने देना है और ना उसका कभी कोई बच्चा होने देना है, जो भी उसकी पर्सनल एटीट्यूड या ईगो जो भी आ रहा है बीच में। बट हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट के जज ने यही पूछा था कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि मुझे डिवोर्स भी नहीं देना है हस्बैंड को और मुझे उसके साथ भी नहीं रहना है, तो आप तो अपनी जिद में सामने वाले की लाइफ खराब कर रहे हो, राइट। तो ऐसे केस में इंसान जाके चलो शादी नहीं कर सकता दूसरी, बट लिव इन में रह सकता है अपने किसी पार्टनर के साथ, और वहां से उसका जो भी चाइल्ड होगा उसको पूरे राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है, दैट इज वन थिंग। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स को फिलहाल के लिए इससे बाहर रखा गया है। मैन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे इन मैटर्स ऑफ डिवोर्स, ओके, ऐसा नहीं है हमेशा कि सिर्फ वुमेन ही डिवोर्स फाइल कर सकती है, मैन भी कर सकता है, ओके, हलाला एंड इद्दत जैसी प्रैक्टिसेस को बैन किया जाएगा, वो इनह्यूमन मानी जाती हैं, एटलीस्ट गवर्नमेंट की नजर में। इनएक्ट यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल कम्युनिटीज विद रिगार्ड टू मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप एटसेट्रा, इसी में आप इनहेरिटेंस भी जोड़ लीजिए, इनहेरिटेंस को लेकर भी राइट्स कॉमन किए जाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपके साथ बात करूं, हम कहते हैं कि गोवा में जो लॉज हैं, गोवा के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हाँ बिल्कुल है, बट उसमें भी वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पारसी कम्युनिटी की बात करें, पारसी कम्युनिटी में एक लॉ है कि अगर इनके यहाँ की वेमेन, अगर इस वेमेन ने किसी नॉन पारसी से शादी कर ली तो शी विल लूज हर इनहेरिटेंस राइट, ओके, और पूरी प्रॉपर्टी उस वेमेन के सिर्फ ब्रदर को जाएगी या दूसरी जो सिस्टर होगी उसको जाएगी, तो फिर कहाँ का यूनिफॉर्म है यहाँ पर, राइट। उसी तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करते हैं,
आई थिंक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहूँगी, मैंने बहुत पहले ये चीजें पढ़ी थी। क्रिश्चियन कम्युनिटी में प्रोविजन जो है वो है कि आपको शायद 2 साल सेपरेट रहना पड़ता है, हिंदू कम्युनिटी में 1 साल है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिवोर्स लेने के लिए आपको 1 साल 2 साल सेपरेट रहना पड़ेगा। तो ये चीज यूनिफॉर्म नहीं है क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म या दूसरी उसमें, ठीक है, कुछ टाइम पहले तक ट्रिपल तलाक भी था इस्लाम में। तो डिवोर्स डिवोर्स को लेकर रूल्स सेम नहीं है, इनहेरिटेंस को लेकर रूल सेम नहीं है, ये सब यूनिफॉर्म बनाने की जरूरत है। उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना लाना पड़ेगा, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो 2.9% पॉपुलेशन ट्राइबल है और उसको फिलहाल के लिए बाहर रखा गया है सैमबिट से। गोवा ऑल्सो हैज यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन। इन 1961 में लिबरेट किया गया था इसको, और इन लोगों ने जो पोर्चुगीज सिविल कोड चलता था 1867 से, उसी को इन्होंने मेंटेन रखा है, हटाया नहीं है। नाउ लुक एट दिस, इट ऑल्सो प्रोहिबिट ए सेकेंड मैरिज इफ वन ऑफ दी स्पाउस इज अलाइव। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक दूसरे का पार्टनर अलाइव है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। बट इसने ये क्लैरिटी नहीं दी है कि अगर वो पार्टनर चाहे तो किसी और के साथ लिव इन में रह सकता है या नहीं। वो क्लैरिटी इस पे नहीं है। द बिल मेक्स इट मैंडेटरी टू रजिस्टर मैरिजेस एंड डिवोर्स। अब क्या है, विलेज एरियाज में तो यही होता है, एक वाइफ है उसके बाद भी अगर मान लो जो भी रीजन है, बच्चा नहीं हो रहा है या बस नहीं बन रही उसकी, तो वो दूसरी शादी कर लेता है और अपनी दूसरी मैरिज को रजिस्टर नहीं कराता है। और यह हो सकता है पहली मैरिज रजिस्टर नहीं कराई थी तो आप सेकंड वाली को रजिस्टर करा लेगा। तो ये मैंडेटरी किया जाएगा कि रजिस्टर तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा फ्रॉम गवर्नमेंट फैसिलिटीज। बच्चे की कस्टडी की बात होगी तो जब तक बच्चा 5 साल का है वो मदर के पास ही रहेगा, बट फिर उसमें वो गोवा जैसा भी केस आता है जो अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था, जहां पे मदर ने ही बच्चे को मार दिया था, अपने खुद के बच्चे को। इफ ए कपल डज नॉट रजिस्टर देयर लिव इन स्टेटस विद इन ए मंथ, मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 3 months इंप्रिजनमेंट। सभी बच्चों को इक्वल राइट दिए जाएंगे, चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप हो चाहे वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन, उसको लेजिटिमेट चिल्ड्रन ही माना जाएगा। इसके अलावा इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टू सन और डॉटर फॉर ऑल क्लासेस विद नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट चिल्ड्रन। जैसे कई बार एक वाइफ से हुआ, एक बाहर उसका कोई लिव इन अफेयर रहा हो, ठीक है, तो वो वैसे तो इलेजिटिमेट है बट उस बच्चे के राइट पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए, से बायोलॉजिकल हो या अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। कल हमने एक मुस्लिम लॉ में एक केस डिस्कस किया था जहां पे एक आदमी की डेथ हुई है तो उसकी फैमिली, उसके ब्रदर सिस्टर्स लोग क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमारे इस्लामिक लॉ में अलाउ नहीं है अडॉप्टेड सन को वो देना इनहेरिटेंस राइट, ओके, बट यहां पर नहीं है। अब आपका इस्लामिक लॉ जो भी कहता हो, बट अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहे बच्चा लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो एडॉप्टेड हो, उसको पूरे राइट्स मिलेंगे इनहेरिटेंस के, ओके, इवन अगर वो बच्चा सैरोगेसी से हुआ है तो भी। आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन वाइफ एंड चिल्ड्रन विल बी गिवन इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी। लेकिन अभी तक जो कानून है उसमें सिर्फ मदर को राइट जाता था बेटे की प्रॉपर्टी का, अगर बेटे की डेथ हो जाती तो मदर को पूरी प्रॉपर्टी चली जाती थी, वाइफ और चिल्ड्रन को नहीं जाती थी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस है, अगेन उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में मत देखिए इसको, ओवरऑल देखिए कि हाँ इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमारी सोसाइटी को। ऑलराइट, बाकी वो मेंस वाले वीडियो में आप जरूर कर लेना, अल्टीमेटली हमें सिर्फ 150-250 वर्ड का एक आंसर तैयार करना होता है, ठीक है, बाकी जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो पॉलिसी फ्रेम करते रहना। एंड यहाँ पर मणिपुर में नागा जो बॉडी है, नागा लोगों की, उन लोगों ने कहा है कि हम लोग विक्टिम बनते जा रहे हैं एथनिक कंफ्लिक्ट के, और उनका जो नागा काउंसिल है उसने मिताई और कुकीज दोनों को कहा है हमें इंसुलेट रहने दीजिए इस वायलेंट क्लैशेस से, हमारा कोई लेना देना नहीं है आपकी आपसी लड़ाई से। सिद्धारमैया लीड दिल्ली चलो प्रोटेस्ट टुडे। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर मैं आपको ना सेपरेट सेशन भी दूंगा इधर ब्रेनस्टॉर्मिंग में या मेंस 450+ में, क्योंकि केरल के जो सीएम है उन्होंने भी दिल्ली का मार्च किया है, ऊपर से कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया, इन्होंने भी दिल्ली मार्च किया है, और तमिलनाडु ने भी इसको एटलीस्ट सपोर्ट किया है, सबका कंसर्न सेम है। और वो क्या है कि फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी है हमारी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उसको हार्म किया जा रहा है, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेस हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस उनको क्रंच किया जा रहा है, ठीक है। कैसे, केरल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लगा दी है, ओके, इस पे अभी हम आगे इसी पेपर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनकी पॉपुलेशन हुई है डिक्लाइन, ठीक है, एजुकेशन अच्छा दिया, पॉपुलेशन कंट्रोल किया। अब ये जो फाइनेंस कमीशन वगैरह जो मेजर लेते हैं ना, अब पिछली फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, कुछ वेटेज 2011 की पॉपुलेशन को भी दे दिया और कुछ 1971 की पॉपुलेशन को भी दे दिया, जो पिछली 15th लोकसभा फाइनेंस कमीशन थी। 14th वाली जो थी उसने पूरा वेटेज 1971 की पॉपुलेशन को ही दिया था,
लेकिन यहां पर कुछ परसेंटेज हमने 2011 का जोड़ दिया, तो डिवोल्यूशन ऑफ फंड में सदर्न स्टेट को थोड़ा सा नुकसान हुआ। इसके बाद और भी कई केस आ रहे हैं जहां पे कर्नाटका को गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम आपको ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है हमारी फूड वाली, उसमें हम आपको फंड नहीं देंगे। केरल में अभी ये सीलिंग लेकर आए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु का भी सेम कंसर्न है कि आप जो 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप की जा रही है, अगर इसने पूरी तरीके से 2011 की ही पॉपुलेशन यूज की तो ज्यादा फाइनेंशियल एलोकेशन चला जाएगा हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, और इनकी पॉपुलेशन कम है तो इनको फाइनेंशियल सोर्सेस कम मिलेगा। एक और रीजन ये है कि जीएसटी आने के बाद सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था स्टेट्स गवर्नमेंट के पास सेल्स टैक्स का, ठीक है, ये हो गया मर्ज जीएसटी में। अब जीएसटी से सिर्फ डिवोल्यूशन किया जाता है यहां से, और जीएसटी है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस यानी जहां पर कंजम्पशन हो रहा है गुड का या सर्विसेज का, वहां पे मिलेगा ये टैक्स आपको। तो ऑब्वियसली बात है कि जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, यूपी, बिहार, एमपी, इन स्टेट्स को ज्यादा टैक्स मिल रहा है क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। ओके, दिस इज अ कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जबकि तमिलनाडु, कर्नाटका, दीज आर दी स्टेट जो प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। अब ये प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स तो है नहीं, तो इनको नुकसान हो रहा है। जो अच्छे डेवलप स्टेट्स हैं उनको जीएसटी रिजिम में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, और जो कंजम्पशन हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं इनको फायदा हो रहा है। तो ये चीजें काफी टाइम से चल रही थी और ये चीज देर सवेर सिर पे आनी थी। जब से 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 को वेटेज दिया था ना, तब से ये एक्सपेक्टेड था कि ये इशू एक ना एक दिन पॉपअप जरूर होगा, और ये बहुत तेजी से पॉपअप हो रहा है इनफैक्ट। क्योंकि अभी कर्नाटका की ही एक कांग्रेस के एमपी थे, उन्होंने कह दिया था अगर ऐसा कुछ होगा ना तो फिर हम लोग को अलग देश बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। दैट वॉज अ बिग स्टेटमेंट, राइट? इसी तरीके से एक आर्टिकल भी आया था एक बार न्यूज़पेपर बहुत पहले, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया बनाने का। हालांकि वो बता रहे थे कि इस तरह की चीजें अच्छी नहीं है, बट इस तरह की बातें दिमाग में आएंगी लोगों के। पॉलिटिशियंस का आप जानते हो, वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी बोलते हैं। तो ये जो कांग्रेस के एमपी ने कहा, आईएनसी, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट था, लेकिन इसने एक डिबेट क्रिएट कर दी है कि अगर आप सदर्न स्टेट्स के कंसर्न इसी तरीके से नेगलेक्ट करते रहोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अरे, तो इन लोगों ने ये जो मार्च किया है, दिल्ली चलो मार्च, अब ये गलती नहीं करना चाहिए जो हमारा मीडिया करता आता है सरकार की गुलामी में, कि वो हर चीज जो भी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको वो हमेशा एंटी नेशनल टोन देने लगते हैं। ठीक है, कि ये सब निकम्मे हैं, नाकारा है। एक बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी 3 साल तक एसएससी के बच्चों की। वो मुंबई से तक चल के बच्चे पैदल आए थे दिल्ली तक, लेकिन लड़कियां तक आई थी उनमें। उसके बाद उसने दिखा दिया, एक सुधीर चौधरी पत्रकार है उसने, कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, नकारा है बच्चे, निकम्मे हैं, इनसे मेहनत नहीं होती, इसलिए इनको सबको सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है। ठीक है, किसान प्रोटेस्ट पे बैठे, खालिस्तान का इश्यू उसमें जोड़ दिया। अब अगर आपने इस तरीके से ये सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश की, अगर आपके मीडिया ने, कि ये स्टेट साउथ के स्टेट्स ऐसे हैं वैसे हैं, यहाँ के लोग थोड़ा एंटी हिंदी और सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जो कि तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, उनके बेटे ने एक बार कह भी दिया था कि दिस हिंदू धर्म, सनातन धर्म इज लाइक ए डिजीज, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था उनका। ठीक है, तो इस चीज को मीडिया बहुत उठाता है फिर, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में बीजेपी का कुछ है नहीं। तो ये जो इलेक्शन भी होना है ना 24 का, इट विल बी ए क्लियर, यू कैन से, कि बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी वाला इलेक्शन होगा। ठीक है, बीजेपी वर्स नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉन बीजेपी सदर्न स्टेट्स। ठीक, अगर ये इश्यू इसी तरीके से और आगे बढ़ा तो जरूरत है कि इसको बेटर हैंडल किया जाए, एंड उनकी जो जेन्युइन कंसर्न है फाइनेंसिस को लेकर उसको एड्रेस करने की जरूरत है, ना कि इसको और बदनाम करने। अभी हम इस पर वापस आएंगे केरल के रिस्पेक्ट में। नाउ सी, सेंटर ने जवाब क्या दिया है केरल को, कि केरल इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली अनहेल्दी स्टेट्स। अब अगर आप इसका वो देखेंगे ना, एफआरबीएम एक्ट हर स्टेट को अपना बनाना होता है, ठीक है, सेंटर ने क्या कहा है कि हम अपना एफआरबीएम एक्ट में हम अपना फिस्कल डेफिसिट 4.5.1 रखेंगे इस साल। ठीक है, इसको फिर 25-26 तक लेकर आएंगे 4.8 पर, जबकि जो ये है जो केरल, इसका ऑलरेडी लेस देन 3 है फिस्कल डेफिसिट, फिर भी कह रहे हैं कि ये बहुत फाइनेंशियली अनहेल्दी स्टेट है। ठीक है, देर इज लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस, बट सेंटर से तो बेटर ही परफॉर्मेंस है उसकी। सेंटर सेड दैट स्टेट इज इंडल्ज इन रेकलेस बोरोइंग टू फाइनेंस अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर एंड पुअरली टारगेटेड सब्सिडीज। ठीक है, ये पॉइंट दिया उन्होंने। दूसरा, रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट फंड्स। अभी मैं इस केरल वाले को अगले पेज पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, यहाँ पे केरल ने एक सूट फाइल किया हुआ है। अब ये ओरिजिनल सूट का क्या मतलब है यहाँ पे,
अब याद कीजिए, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, राइट, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। यानी जब भी सेंटर और स्टेट के बीच का कोई इशू आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा, किसमें, अंडर ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। कैन यू टेल मी द आर्टिकल नंबर, कौन से आर्टिकल नंबर में ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट की, अगर आपने पढ़ा है तो? ओरिजिनल सूट फाइल्ड बाय स्टेट ऑफ केरल अगेंस्ट द सेंटर फॉर वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस एंड कॉजिंग सीवियर डैमेज टू द इकोनॉमी ऑफ स्मॉल स्टेट। नहीं, अभी इस पॉइंट को यहीं पे रोके, हम इस पे आएंगे वापस। ये एक हॉकी प्लेयर है वरुण कुमार, ठीक है। अब देखिए, ये आज 28 साल के हैं, बट ये केस बहुत पुराना है, 4 साल का, जब ये रहे होंगे 24 साल के। लड़की आज 22 साल की है, बट उस वक्त ये रही थी 17 साल की। अब इसने क्लेम किया है कि इस आदमी को बुक कीजिए अंडर पॉक्सो, क्योंकि इसने मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है एट द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, कि मुझसे मैरिज करेगा, बट अब ये मना कर रहा है। ऑलराइट, तो ये एक केस है। नाउ द थिंग इज, एक तो ये आदमी जो है हॉकी, इंडियन हॉकी प्लेयर, इनको अर्जुना अवार्डी भी है, और ये इस वक्त डीएसपी की पोस्ट पर है, आई थिंक अंडर पंजाब गवर्नमेंट। ओके, और एशियन गेम में जो गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने, उस टीम के मेंबर भी थे। नाउ व्हाट व्हाट आई मीन टू से इज हियर इज कि कुछ लॉज जो है इंडिया में वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जैसे इस आदमी ने, इनका जो भी लव रिलेशनशिप रहा हो, इसने मैरिज का प्रॉमिस किया, ठीक है, फिर 4-5 साल हो गए अब इनके रिलेशनशिप को, बट अब अगर वो शादी नहीं कर रहा है तो लड़की क्लेम कर सकती है कि दैट वॉज, दैट शुड बी काउंट एज अ रेप। ओके, रेप, वो भी अंडर पॉक्सो एक्ट। बट द सेम थिंग इज कि अगर रिलेशनशिप में से लड़की वॉकआउट करती है, ओके, अब वो अगर आपसे कुछ साल के रिलेशनशिप के बाद मैरिज करने से मना कर दे, तो लड़का या कोई क्लेम नहीं कर सकता। सो बात सिर्फ ये है कहने की कि इंडिया में अधिकतर लॉज जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ओके, जज मत करना यार उस बात पे, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे लॉज जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर रेप जब बात आती है तो विमेन की बात आती है, बट अगर आप यूएसए वगैरह में देखेंगे तो वहां पर मेल को भी वो सेम राइट दिए गए हैं अगेंस्ट दी रेप। ओके, वो भी अलाउ है वहां पर, बट इंडिया में ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सबकास्ट को लेकर, कि जो एससी है या एसटी है इनमें भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, या और क्लियरली कहें तो क्या इसमें भी क्रीमी लेयर बनाने की जरूरत है। ओबीसी में ऑलरेडी क्रीमी लेयर है, अगर आप एक बार ग्रेड ए ग्रेड बी ऐसी सर्विस या कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट वगैरह हेल्ड कर लेते हो तो आपके चिल्ड्रंस को फिर वो बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है, और आपकी इनकम अगर 8 लाख से ऊपर है तो भी आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में भी है, अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्लियर। और सेम वहां भी है कि अगर आपने एक बार पोस्ट ले ली, जैसे दिव्या तंवर है, उनका यही केस हुआ ना, उन्होंने एक बार आईपीएस में क्वालिफाई कर गई थी, उसका नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरा उन्होंने शायद दोबारा ईडब्ल्यूएस से भर दिया, तो उनकी रैंक तो बहुत अच्छी आई, बट फिर भी उनको आईएएस के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो एससी एससी में क्रिमिनल लेयर बन सकती है नहीं, इसके अगेंस्ट केस चल रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो जज हैं, इन्होंने ऑब्जर्व यही किया है कि देखिए कुछ कास्ट जो है वो बेटर हो चुकी हैं अब, जी कुछ एससी अगर आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो फिर इनके चिल्ड्रन को क्यों दिया जाए वो बेनिफिट। ओके, यहाँ पे 7 जज बेंच एग्जामिन कर रही है इस क्वेश्चन को, वेदर स्टेट कैन आइडेंटिफाई एंड सब क्लासिफाई द ग्रुप्स विद इन एससी हु डिजर्व ग्रेटर रिजर्वेशन, यानी कि हमें वीकेस्ट अमंग द वीक की बात करनी है, और एक तो ये केस एग्जामिन किया जा रहा है। बट सी ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आईएएस आईपीएस बन गया तो उसको फिर मत दो रिजर्वेशन, ठीक है, एक पॉइंट ठीक है वो, बट एट द सेम टाइम ये भी समझना होगा कि ये जो आईएएस आईपीएस बना है, अगर समझो वो उसकी फैमिली की फर्स्ट जनरेशन है जो इस तरह कोई अच्छी जॉब में पहुंचा है, या इवन लड़कियों की अगर मैं बात करूंगा ना, एसटी एससी में, इवन ओबीसी में भी अधिकतर फैमिलीज में, तो फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट गर्ल्स मिलेंगी आपको आज की डेट में, दे आर फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स, दी गर्ल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, एंड मदर की एजुकेशन एक बच्चे की ब्रॉटअप में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो उस बच्चे की पर्सनैलिटी में हमेशा रिफ्लेक्ट होगा, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में भी रिफ्लेक्ट होगा वो चीज। नो, यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि अगर एक बार आप अच्छी वो हो गए तो आप निकल जाओ, बट उससे बेटर होगा, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा, जैसे हम डाबी कास्ट की बात करें, ठीक है, टीना डाबी रिया डाबी, ओके बेस्ट है वो, फैमिली बहुत अच्छी है, चलिए उनको आप एक्सक्लूड कर दिए, बट इसी में कई फैमिलीज ऐसी भी होंगी जो हो सकता है कहीं एमपी छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ, वो अभी तक उतनी सक्षम नहीं हुई है, तो एक पूरी कास्ट को निग्लेक्ट कर बाहर निकाल देना तो फिर वो डिप्राइव कर देगा। ओके, सो अगर आपको कभी सजेस्ट करना हो इसमें क्या क्राइटेरिया हम रख सकते हैं, क्राइटेरिया हम एक अगर रख सकते हैं तो वो है कि हम फैमिली हिस्ट्री को कंसीडर करें। लाइक एक पर्टिकुलर फैमिली में, आज हमारे पास आधार है, हमारे पास सब कुछ है, हम 80 करोड़ लोगों को अगर पीडीएस में टारगेट कर सकते हैं, तो यहाँ तो कम पॉपुलेशन है, हमें ये टारगेट करना चाहिए कि उनकी कितनी जनरेशन एजुकेशन ले चुकी है।
लाइक अगर हम टीना डाबी मैडम की बात करें तो उनके दादाजी भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनके फादर मदर भी गवर्नमेंट सर्विस में, नाउ शी इज ऑल्सो इन गवर्नमेंट सर्विस, राइट। तो एजुकेशन भी अच्छा खासा मिला होगा। तो एजुकेशन को अगर हम क्राइटेरिया रखें SC ST के लिए स्पेशली, ठीक है, ना कि इनकम को। इनकम तो देखिए, अब जैसे अगर कोई पॉलिटिक्स में है, वो रिजर्वेशन वगैरह, रिजर्व सीट वगैरह होती है, उससे पैसा आ गया, ठीक है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ा भी लेगा, बट उससे उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है, उससे ये नहीं आ जाएगा कि हाँ उसके पास बहुत अच्छा ब्रेन भी आ गया है और उसका जो इतनी जनरेशन तक जो एजुकेशन से उसको दूर रखा गया था वो क्राइटेरिया दूर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेटर है कि अगर टारगेटिंग करनी है, सब क्लासिफिकेशन करना ही है, तो फैमिली लेवल पे किया जाए, वो भी उनकी कितनी जनरेशन एजुकेशन ले चुकी है उस बेसिस पर, राइट। इसी के कंटेक्स्ट में JNU ने एक बार, JNU ने एक इंडेक्स तैयार किया था जिसे हम कहते हैं डेप्राइवेशन इंडेक्स। उसको उसका एग्जाम्पल आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो। लाइक उस डेप्राइवेशन इंडेक्स में ये था कि हम पहले तो नंबर ऑफ जनरेशन कंसिडर करेंगे, कितनी जनरेशन उनकी एजुकेशन ले चुकी है। हो सकता है एक डाबी फैमिली दिल्ली में बहुत अच्छा एजुकेशन ले रही है, बट वहीं एक डाबी फैमिली MP में ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रह रही है जहां पे उतना अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स ही नहीं है, तो वो कॉम्पीट नहीं कर सकते सेम लेवल पर दोनों, राइट। तो फर्स्ट थिंग इसकी हमें फैमिली लेवल पे देखना होगा, हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल है आजकल आधार के थ्रू। उसके बाद उनका जनरेशन ऑफ एजुकेशन देखना होगा, कितनी जनरेशन उनकी एजुकेशन ले चुकी है, ताकि कोई जेन्युइन फैमिली बाहर ना रह जाए। दूसरा, हमें उनकी प्लेस भी देखनी होगी। छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाला SC का बच्चा, दिल्ली मुंबई में पढ़ने वाले SC बच्चे, ये बराबर नहीं हो सकते, राइट। जो IQ लेवल टीना डाबी या कनिष्क कटारिया में रिफ्लेक्ट होगा, वो हर SC के बच्चे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नो मैटर कि चलिए दोनों को आप सेम स्कूल भी भेज दीजिए, बट उनकी जनरेशन ऑफ फैमिलीज ने जो एजुकेशन लिया होगा, आई थिंक कनिष्क कटारिया के पेरेंट्स भी IAS एंड IRS हैं, राइट, सेम इज विद टीना डाबी। अगर हम दोनों को सेम स्कूल में भेज देना, लेकिन अगर दूसरा SC का बच्चा, वो पहली जनरेशन है उसकी, वो सपोज किसी सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है, लेकिन वो एनी हाउ अच्छे स्कूल में जा पा रहा है, बट वो दोनों का IQ लेवल जो होगा वो सेम नहीं होगा। सो फैमिली हिस्ट्री, उनका एजुकेशन हिस्ट्री बहुत मैटर करेगा सब क्लासिफिकेशन में, राइट। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन है कि सीधे बस ये देख लो, कोई IAS IPS अगर बन गया है, अगर उसने पहली बार, वो अपनी फैमिली से पहला बंदा है जिसने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके कुछ बना है, दैट डजंट मीन कि वो सब कुछ सेम हो गया होगा, राइट। सो एटलीस्ट वो, एटलीस्ट वो 3 जनरेशन तो को आपको देखना होगा। 3 जनरेशन ऑफ एजुकेशन अगर मिला है किसी फैमिली में, तो आप उसको बाहर करने के बारे में सोच सकते हो। स्टेट इज डिफाइनिंग दी वैलिडिटी ऑफ इट्स लॉ, यहाँ पे पंजाब का केस है, पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास है, इसने सब कैटेगराइजेशन किया था 2006 में। सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट गेव फर्स्ट प्रेफरेंस टू द ऑफ कोटा टू द बाल्मीकि एंड मजहबी सिख्स, बट 2010 में स्टेट हाईकोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। उसका कहना था कि ओनली प्रेसिडेंट वॉज एम्पावर्ड टू कैटेगराइज ए ग्रुप ऑफ SC अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यहाँ पर साथ में उसने ये भी कहा कि SC आर होमोजीनियस ग्रुप, ठीक है, यानी कि वो सब एक बराबर है। ये ऑब्जर्वेशन था 2010 में, बट अभी हम 2024 में आ गए, तो 14 साल में हाँ कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। SCs वर ए होमोजेनियस ग्रुप एंड ए सब क्लासिफिकेशन वुड बी ए वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, बट इनका आर्ग्यूमेंट भी सही है कि इट इज नॉट ए ब्रीच ऑफ इक्वालिटी बट एज एन एड टू इक्वालिटी। ये पॉइंट जरूर अपने आंसर में लिखना कि अगर सब क्लासिफिकेशन किया भी जाता है तो इट इज नॉट ए ब्रीच ऑफ इक्वालिटी बट एन एड टू इक्वालिटी। ऑलराइट, ये गाजा वॉर की वजह से ना, ये जो IMEC प्रोजेक्ट था हमारा, जो इंडिया को पूरा कनेक्ट करने वाला था यूरोप से, और यहाँ से सऊदी अरेबिया के थ्रू होके जाना था, ठीक है, यहाँ तक शिपिंग से जाएंगे, फिर सऊदी अरेबिया UAE के थ्रू हम लोग रोड और रेलवे के जाएंगे, फिर इसराइल के हाइफा पोर्ट पहुंचेंगे, वहां से मेडिटेरियन क्रॉस करके यूरोप की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया है गाजा वॉर की वजह से, अभी भी इसमें रिज्यूम होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि इसराइल की बम्बार्ड की वजह से UAE एंड सऊदी अरेबिया दे आर अनविलिंग टू डिस्कस द नॉर्मल टाइज विद इसराइल, ओके, और शायद उनका कुछ कंसर्न जेनविन भी, क्योंकि 26-27 हजार लोगों का मरना इज नॉट एन ईजी टास्क। दो पोर्ट के नाम याद रखेंगे आप, ग्रीस में एक पोर्ट है प्रेयर्स एंड सॉरी जैसे भी प्रोनाउंस करना, पायरस, ठीक है, और इसराइल में पोर्ट है हाइफा पोर्ट, ठीक है, दोनों के नाम याद रखेंगे, और दोनों पोर्ट का जो कंट्रोल है वो मिला है अडानी ग्रुप को, ओके, थैंक्स टू गवर्नमेंट, ओके, दोनों पोर्ट्स के नाम याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कई बार। अजीत पवार का जो फैक्शन था उसको रियल NCP कह दिया यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। अब ऐसा क्यों? अब इसके मुझे इस न्यूज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है 3 टेस्ट में। इलेक्शन कमीशन कंसिडर क्या करता है? वो कंसिडर करता है पहले तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, तो पहला तो ये टेस्ट किया जाता है। तो ये तो देखिए, ये तो इतना वेग वर्ड है कि
सब पार्टी अच्छा अच्छा ही लिखती है ना, और अगर दो फैक्शन है तो दोनों अच्छे अच्छे एम ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा वेग टाइप का है। सेकंड इज टेस्ट ऑफ द पार्टीज पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी थोड़ा वेग टाइप की कंडीशन है। थर्ड टेस्ट ऑफ द मेजोरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिस फैक्शन को मिला है ना उसमें से 40 आउट ऑफ एनसीपी 53 एमएलए साइडेड विद हिम, ठीक है, उसके पास 40 एमएलए का सपोर्ट था आउट ऑफ 53 एमएलए इनकी पार्टी में। तो ये जो थर्ड टेस्ट था टेस्ट ऑफ मेजोरिटी, इस वजह से जीत गई है, ठीक है, टेस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, इस वजह से इनको अजीत पवार को पार्टी इनका जो फैक्शन था उसको रियल एनसीपी माना गया ना। ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए कांग्रेस अगेन नॉट इंटरेस्टेड इन दी पॉलिटिकल पार्टी बट एटलीस्ट दे आर रीचिंग आउट टू दी अग्निपथ स्कीम एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये ना यार अब जैसे मैं आपको इसराइल के कंटेक्स्ट में बताता हूँ, इसराइल ने कहा कि हमारे पास 1 लाख करीब सोल्जर्स थे वॉर शुरू होने से पहले, आज हमारे पास 7 लाख हैं, क्यों, क्योंकि उनके यहाँ पर कंपलसरी ट्रेनिंग दी जाती है सभी को 3 साल की आर्मी में, और ताकि आप 3 साल ट्रेनिंग कीजिए उसके बाद अपनी चले जाइए जिस फील्ड में जाना है, बट आपके पास ट्रेनिंग है ना तो आप कभी भी आके जब भी आर्मी को जरूरत पड़ेगी देश को आपकी जरूरत पड़ेगी आप आके फाइट करने के लिए तैयार हो गए। ओके, ये इसराइल के कंटेक्स्ट में ठीक है क्योंकि उसकी आबादी है सिर्फ 70 लाख लोग, 70 लाख पॉपुलेशन है, तो उसे जरूरत पड़ेगी, और 70 लाख टोटल पॉपुलेशन बता रहा हूँ मैं, बच्चे बूढ़े औरतें सब मिला के, ठीक है, 70 लाख लोग हैं सिर्फ उसके पास, तो और उसके पास थ्रेट बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अगर सबको आर्मी में ही ले आएगा परमानेंट कमीशन देकर कि परमानेंट सर्विस करनी है, तो फिर बाकी फील्ड सेक्टर में कौन काम करेगा, एग्रीकल्चर साइंस सब सेक्टर में कौन काम करेंगे, ठीक है, तो ट्रेनिंग दे देता है कि इमरजेंसी के लिए भी तैयार रहो बाकी अपनी अपनी फील्ड में काम करते रहो। बट अब इंडिया के कंटेक्स्ट में सोचिए, क्या इंडिया के पास ऐसा कोई कंपल्शन है, हमारे पास कोई युवाओं की कमी थी कि हमें इस तरह की चीज करनी पड़ी कि आप बस 3 साल सर्विस करके आ जाइए, क्या हमारे यहाँ कभी ऐसी नौबत आएगी कि वॉर हो रही है तो हमें लड़के रिक्रूट करने पड़ रहे हैं इमरजेंसी में, हमारे पास ऑलरेडी 13-16 लाख रुपए अगर रिजर्व फोर्सेस को भी मिला लें तो 13 से 16 लाख सोल्जर्स हैं हमारे पास, सेंट्रल फोर्सेस अलग हैं फिर, ठीक है, तो हमें उस तरह की नौबत नहीं आएगी। बट और गवर्नमेंट ने कभी ये कहा भी नहीं कि हमारा गोल ये है जो इसराइल का है, ऐसा गोल था भी नहीं हमारा कभी, उन्होंने कहा कि सैलरी एंड पेंशन का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें। बट सी अगर आज आपको 4 साल यूपीएससी की तैयारी कराई जाए और उसके बाद कहा जाए कि यार 4 साल बाद अब आप कुछ नई फील्ड में ट्राई कर लो, दैट्स नॉट ईजी, सेम इन बच्चों के साथ होगा जो सबसे प्रोडक्टिव एज होती है 17 से 21 साल करियर बनाने की, उसमें आप कह रहे हो कि चलिए आर्मी में आ जाइए उसके बाद 4 साल बाद हम आपको देखेंगे, तो अगर जैसे 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 में से हम 25% को परमानेंट कर देंगे और बाकी 75 को घर भेज देंगे, तो एक नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करना इज नॉट ईजी 4 साल किसी एक फील्ड में काम करने के बाद। और फिर एक और चीज सोचिए, नेपाल ने जो कंसर्न रेज किया था वो जेन्युइन कंसर्न था उसका कि ये बच्चे जो हमारे 4 साल आर्मी में वर्क करके आएंगे इनको माओइस्ट रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है, तो नेपाल ने तो 2022 से अपने बच्चों को भेजा ही नहीं अग्निपथ में, और उसकी वजह से वो बच्चे इतने बेरोजगार हो गए हैं कि वो यूक्रेन और रशिया की तरफ से जाके वॉर लड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं दोनों कंट्री से कहा हमारी तरफ से आके वॉर लड़िए हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे और अपना पासपोर्ट भी देंगे आपको, तो ये अपनी फैमिली के लिए ही सही, बट आज नेपाल के बच्चे यूक्रेन में भी वॉर लड़ रहे हैं और रशिया की तरफ से भी, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो उनको एक विंडो मिलती थी इंडियन आर्मी में आके परमानेंट जॉब की, आपने वो विंडो क्लोज कर दी, वो तैयार नहीं है 3 साल की नौकरी के लिए, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का कंसर्न बहुत जेन्युइन है, उनके यहाँ माओइस्ट वगैरह इंसर्जेंसी कम्युनिस्ट ये सब बहुत एक्टिव है, वो इन बच्चों को जो आर्मी से ट्रेनिंग लेकर आएंगे उनको रिक्रूट कर सकते हैं वहीं की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अरे तो नेपाल के साथ हमने अपने टर्म्स बिगाड़ लिए एक तो यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद हमने बच्चों को अपने रिस्क में डाल दिया, बच्चे सुबह उठ के कई कई किलोमीटर दौड़ रहे हैं रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आप 4 साल बाद कह रहे हो कि आप किसी और फील्ड में ट्राई करो। उसके बाद सबसे ज्यादा बकवास चीज अगर कुछ है तो वो बीजेपी के एक मिनिस्टर हैं कैलाश विजयवर्गीय, इनके कमेंट, ऐसे कई मिनिस्टर्स के कमेंट आए कि देखिए अगर मुझे अपने यहाँ कल बीजेपी के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड रखने होंगे तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं अग्निपथ से जो आया होगा बच्चा उसको प्रेफर करूंगा सिक्योरिटी गार्ड, तो आपने तो और उनकी बेइज्जती कर दी, उनकी जो सेल्फ एस्टीम थी वो भी हर्ट कर दी कि मैं देश सेवा करूंगा 4 साल फिर आर्मी से रिटायर होके कहीं किसी बीजेपी कार्यालय के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ा रहूंगा, नहीं? तो ये कुछ कंसर्न है, तो एटलीस्ट चलिए कांग्रेस ही सही बट कोई तो बच्चों की जेन्युइन कंसर्न उठा रहा है ना। ओके, आगे चलते हैं, राज्यसभा पासेस बिल टू ऐड पीबीटीजी ऑफ उड़ीसा आंध्रा टू द एसटी लिस्ट। अब ये तो आपको पता है कि एसटी या एससी लिस्ट में अगर किसी को शामिल करना तो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू, बट अब पीबीटीजीज के बारे में हम लोग काफी बातें जानती हैं, आज जैसे 78 टोटल पीबीटीजीज हैं हमारे पास और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीबीटीजीज हमें उड़ीसा में मिलते हैं और सेकंड नंबर पे हमें एमपी में मिलते हैं, ठीक
बट यहाँ पे एक बार नाम देख लेते हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, जैसे पाउरी भुयान, पाउडी भुयान, ओके, चुकटिया भुंजिया, बोंदो बोंदो पोर्जा, खोन पोर्जा। अगर ये सिर्फ नाम तीन चार दे दिए जाएं और पूछा जाए ये सब क्या है, तो ऑल दीज आर पीबीटीजीज। ठीक है, जैसे पिछले साल पोर्ट्स के नाम आए थे तीन चार, उसके पहले पेस्टिसाइड्स वगैरह के नाम आए तीन चार। ठीक है, तो बस ये एक बार नाम पे नजर डाल लो। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि डेमोस एंड फोबोस क्या हैं, तो ये मार्स के मून्स हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नासा ने लॉन्च किया था जूनो 2011 में टू स्टडी द जुपिटर, लेकिन क्या है कि जब ये मार्स के आसपास से पास हो रहा था ना, तो इसके जो सोलार पैनल वगैरह लगे थे उन पर डस्ट जम गई बहुत सारी। तो स्टडी ये किया गया है कि आखिर ये डस्ट आई कहाँ से, तो ये डस्ट यहाँ पर मार्स की ये जो दो मून्स हैं इनसे आई थी, बस यही स्टडी में दिया गया है। डिमोस एंड फोबोस दे डोंट हैव द एटमोस्फियर, द मोर मोर ग्रेविटी ये प्लेनेटरी बॉडी हैज, द मोर स्फेरिकल इज इट शेप। डेमोस फोबोस आर नॉट एट ऑल स्फेरिकल, यानी कि इनमें ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई बॉडी में ग्रेविटी होगी ना तो वो घूम घूम तो रही है सभी, अगर ग्रेविटी होगी तो उसका शेप गोल होता जाएगा, स्फेरिकल होता जाएगा, बट इन दोनों की शेप स्फेरिकल नहीं है, दैट मीन्स कि इन दोनों की ग्रेविटी बहुत वीक है। बस यही सब बातें थी और इसमें कुछ काम का नहीं है, आगे चलते हैं। अब ये आर्टिकल इन्हीं दोनों ने लिखा है, ठीक है, ये वाइस चेयरमैन है स्टेट प्लानिंग कमीशन तमिलनाडु के, और ये मेंबर हैं स्टेट प्लानिंग कमीशन तमिलनाडु के। ठीक है, तो इन्होंने यही बात की है कि सेंटर ने जो फाइनेंसेस थे वो कम किए हैं। सी 14th फाइनेंस कमीशन, इसने दिए थे हमें, करीब करीब कह दिया था कि आप एक काम कीजिए, 42% डिवोल्यूशन कर दीजिए फंड का, जो सेंटर के टोटल टैक्स कलेक्शन होंगे ना उसमें 42% स्टेट्स को दे दीजिए, तो ठीक है वो भी ठीक है। उससे पहले जो 13th कमीशन था उसने 32% दिए थे, ठीक है, ये कांग्रेस के टाइम की बात है, तो अच्छी बात थी कि चलिए फाइनेंस कमीशन 14th ने बढ़ा दिए हैं, ठीक है, सीधा सीधा 10% का जंप दिया। 15th फाइनेंस कमीशन उसने ऑलमोस्ट सेम ही रखा, बट उसने थोड़ा बाइफर्केट कर दिया था, 41% सभी स्टेट्स के लिए, 1% अलग से जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, ये सब तो ठीक हुआ, बट अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 13th 14th 15th एंड 16th इन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, ठीक है, नाम पता होने चाहिए आपको, आ जाएगा एग्जाम में, यूपीएससी में नहीं आएगा तो आप जो अदर दर एग्जाम देते हैं ना सिविल सर्विस के अलावा यूपीएससी के, उनमें जरूर आ जाएगा। अब मैंने आपको दो चीजें ऑलरेडी क्लियर कर रखी हैं, एक है हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, राइट, और दूसरी है हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों में फर्क आपको पता ही होगा, 100% फंडिंग बाय सेंटर अगर सेक्टर स्कीम है, और ये स्कीम उन्हीं डोमेन में चलाई जाएगी जो सेंटर की यूनियन लिस्ट में आते होंगे, यूनियन लिस्ट में आने चाहिए। उसी तरीके से स्पॉन्सर्ड वाली जो है ये रेशियो में होती है, या तो 50-50 रेशियो रखा जा सकता है या 90-10 रखा जा सकता है, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को दिमाग में रखते हुए, ठीक है, और ये किसी भी मैटर पे चलाई जा सकती है। बट इसमें क्योंकि स्टेट को शेयर देना कंपलसरी है तो ये टाइट फंड्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि मेरे स्टेट की जो रिसोर्सेज है, जो फाइनेंसेस है, उसको आपने बाइंड कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि मुझे यहां पे देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो मैं कहीं और यूज करना चाहता हूं अपनी किसी और प्रायोरिटी में, तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से स्टेट्स के जो फाइनेंस हैं वो फंसा दिए आपने, ठीक है, उसकी अटोनमी वहां कम कर दी। जीएसटी का मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, सेल्स टैक्स जाने से, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स से, तो सदर्न स्टेट्स को इससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, राइट। नाउ इसके अलावा अब देखिए, टैक्स जो लगता है वो तो लगता है, उसके अलावा भी गवर्नमेंट क्या लगाती है, सेस और सरचार्ज, सेस एंड सरचार्ज। अब इनके बारे में प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट सेस बार 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 इंक्रीज करती रही, जैसे जब एक टाइम था जब क्रूड ऑयल की कीमत बहुत नीचे चली गई थी, 40 डॉलर्स तक चली गई थी, तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने सेस बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, और इस तरीके से करके 7 टाइम सेस बढ़ाया गया, ठीक है, सरचार्ज अलग से लगता ही रहता है। अब दिक्कत यह है कि सेस और सरचार्ज शेयर नहीं किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, ये सेंटर का अकेले का फंड होता है। तो अब सेंटर क्या करती है कि जो डिवॉल्व फंड है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, उनमें वो तो आपको शेयर करनी पड़ेगी, जब फाइनेंस कमीशन डिवॉल्व करने को कहेगा, ठीक है, ये तो आपको शेयर करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से। तो सेंटर क्या करती है शान पट्टी में कि वो एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाती है, वो बढ़ाती है सेस एंड सरचार्ज। अब सेस एंड सरचार्ज से आपने टैक्स कलेक्शन तो बढ़ा लिया अपना, और ये फंड एक्सक्लूसिवली सेंटर के पास रहेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर भी शेयर में मात खा जाते हैं, ठीक है, यानी कि जब स्टेट कहेगा कि हमारा जो टोटल फंड है उसमें से हम डिवॉल्व करेंगे आपको, ठीक है, लेकिन उसमें से आपने पहले से सेस और सरचार्ज तो अलग कर दिया है,
और आपने पेट्रोल डीजल पे मेजॉरिटी जो टैक्स था वो सेस के फॉर्म में वसूल किया था, वो आप स्टेट्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। ओके, रेवेन्यू कलेक्शन थ्रू सेस एंड सरचार्ज इज द हाईएस्ट एंड इंक्रीजिंग। द यूनियन गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द टैक्स कलेक्शन अंडर सेस एंड सरचार्ज कैटेगरीज एंड द रेवेन्यू सो रेज नीड नॉट बी शेयर्ड विद द स्टेट्स। ओके, सो द थिंग इज कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्मार्टली खेल रही है। एक तरफ तो 42% डिवॉल्व किया फाइनेंस कमीशन ने, तो स्टेट्स ने थैंक यू बोला कि थैंक यू मोदी जी। ये गुजरात गवर्नमेंट का एड आया था बहुत बड़ा न्यूज़पेपर में, थैंक यू मोदी जी आपने स्टेट्स को डिवॉल्यूशन बढ़ाया। बट सदर्न स्टेट्स कह रहे हैं कि आपने अधिकतर जो जो ये पूल था, ठीक है, जो डिवॉल्व फंड का जो पूल था, उस पूल से आपने उस पूल में ही पैसा कम आया है आपके, ठीक है, तो इसका 42% हमें दे भी दोगे तो भी हम लॉस में ही हैं, क्योंकि आपने मेजोरिटी टैक्स तो सेस और सरचार्ज से कलेक्ट किया, वो आप डिवॉल्व करने को तैयार नहीं हो। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया इनके लिए। दूसरा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यूनियन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है आपकी प्रायोरिटीज को थ्रू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, आप टाई करवा देते हैं उनके फंड को। जैसे आपने कोई एजुकेशन के लिए कोई स्कीम चलाई तो आपने टाई करवाया, जैसे फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें 50-50 शेयर होता है। नाम किसका यूज हो रहा है? प्रधानमंत्री का। और स्टेट कितना फंड दे रहे हैं? 50%। तो वो जो ऑपोजिशन पार्टी वाले जो होंगे वो इंप्लीमेंट करेंगे इस स्कीम को सीरियसली। और ये बिहार गवर्नमेंट के जो सीएम थे नीतीश कुमार, उन्होंने कहा था या तो इस स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना करो, नहीं तो हम नहीं कर रहे इंप्लीमेंट। फंडिंग हम बराबर दें और नाम से प्रधानमंत्री का हो तो वो तो फिर वो वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड वो सब इशू आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि सदर्न स्टेट जो हैं इनके यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन थोड़ी सी डिक्लाइन में है, स्पेशली प्राइमरी स्कूल लेवल पर। तो उसमें क्या इनको प्राइमरी स्कूल ज्यादा खोलने की जरूरत है? अब जो सदर्न स्टेट्स, इनको क्या हुआ यार, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज नॉट वर्किंग, पेंसिल इज नॉट वर्किंग। हाँ ओके, हाँ तो वहां पर क्या हमें प्राइमरी स्कूल ज्यादा खोलने चाहिए सदर्न स्टेट्स में? नहीं ना, लेस खोलने चाहिए। वहां पे ओल्ड एज बढ़ेगी, अब तो हमें हॉस्पिटल ज्यादा खोलने चाहिए ना। तो ये स्टेट्स को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करने दीजिए ना। आप इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे हैं कि उन्हें, उनकी प्रायोरिटीज को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू? एलोकेशन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख टू 4.76 लाख। ओके, 59 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं। यूनियन गवर्नमेंट कंपेल द स्टेट टू कमिट मोर और लेस एन इक्विवेलेंट क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, और आप देखिए कितना आपने नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ाते रहे, आप एलोकेशन बढ़ाते रहे और उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट से लेते रहे। नाउ स्टेट्स दैट कैन अफोर्ड टू कमिट मैचिंग फाइनेंसेस फ्रॉम द स्टेट बजट अलोन कैन अवेल द मैचिंग ग्रांट। ठीक है, अब अगर मुझे ये स्कीम में चलो पार्टिसिपेट करना भी है तो पहले तो मेरे स्टेट की कैपेबिलिटी तो हो कि मैं इतनी स्कीम्स में शेयर दे पाऊं। अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो मुझे सेंटर से जो 50% शेयर मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगा, इंटर स्टेट इक्विटी अफेक्ट होगी, राइट? जैसे अगर एमपी गवर्नमेंट, उस पर बहुत कर्जा है, इतनी स्कीम चलाई शिवराज सिंह चौहान ने कि कर्जा बहुत है एमपी पे, ठीक है, एमपी अगर उसको कमिट नहीं कर पा रहा है किसी स्कीम में 50% फंड, तो वो स्कीम में जो सेंटर का भी हिस्सा आना था वो भी अवेल नहीं कर सकता। कोई रिच स्टेट है अगर गुजरात टाइप का, वो अवेल कर सकता है, पंजाब है वो अवेल कर सकता है, तो इंटर स्टेट एक्टिविटी को अफेक्ट करता है ये। सिमिलरली लेस वेल्दी स्टेट्स विल हैव टू कमिट देयर बोरोड फाइनेंस इन दीज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दस इंक्रीजिंग देयर ओन लाइबिलिटी। अब बोरोड फाइनेंस आपको पता है कि मैंने आपको बजट के उसमें बताया था डिस्कशन में कि हर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो भी करती है मार्केट से। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो इनकम होती है वो कम होती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, सब डेवलपिंग है। Okay. तो ये बोरोड फंड, अब बोरोड फंड मुझे इन्वेस्ट करना है यार कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मैं कोई ब्रिज वगैरह बना दूं, मैं एक्सप्रेस वे बना दूं ताकि वहां से टॉल आता रहेगा, इनकम होती रहेगी गवर्नमेंट की, ठीक है। लेकिन आपने मेरा जो, मैंने जो बोरो किया था फंड वो मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाना था, आपने लागू कर दी कोई सी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कि इसमें दीजिए 50% शेयर, तो मैं बोरोड फंड कैपिटल में इन्वेस्ट ना करके इन स्कीम्स में दे रहा हूं यार, ठीक है। वहां पर फसल बीमा योजना टाइप की स्कीम में दे दूंगा तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट को वहां से कोई रिटर्न थोड़ी आने। तो आपने तो जो बोरोड फंड था उस पर भी मेरी लाइबिलिटी बढ़ा दी। उसी तरह सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आर फुली फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन सेक्टर्स वेयर द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव और इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल। 700 ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, 14 लाख करोड़ तक का फंड इसमें लगाया गया है। दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, उसमें स्टेट का कोई वही नहीं है कंट्रोल। स्कोप फॉर एंटी फेडरल फिस्कल पॉलिसीज, नाउ सी फर्स्ट थिंग, योर प्रिलिम्स, फॉर योर प्रिलिम्स यू शुड रिमेंबर दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम दे आर नॉन स्टैट्यूटरी ट्रांसफर। फाइनेंस कमीशन जो ट्रांसफर कर रहा है वो क्या है?
वो स्टैट्यूटरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। जीएसटी से जो फंड ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, वो स्टैट्यूटरी है, लॉ पूरा एक्ट है जीएसटी का बकायदा, ओके। बट सेंट्रली सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, दीज आर नॉन स्टैट्यूटरी ट्रांसफर एज दे आर बेस्ड नीदर ऑन एनी लीगल प्रोविजन नॉन एनी फॉर्मूला डिटरमिंड बाय फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये पूरी तरीके से नॉन स्टैट्यूटरी ट्रांसफर है, राइट। स्टैट्यूटरी ट्रांसफर मैंने बता दिए कौन से होते हैं, ओके। और ये जो नॉन स्टैट्यूटरी ट्रांसफर आते हैं स्कीम्स के थ्रू, ये टाइट ग्रांट होते हैं, ये पर्टिकुलर उसके कंडीशन के साथ आते हैं। दिस रिड्यूसेस द फ्रीडम ऑफ स्टेट इन कंडक्टिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओके। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो सदर्न स्टेट्स बहुत परेशान हो रहे हैं इस वक्त। अभी केरल का भी एक और देखना है हमें, यही वाला है। चलिए अब यहां पे सेंटर ने क्या किया है, सेंटर इंपोजिशन ऑफ नेट बोरोइंग सीलिंग ऑन द स्टेट विच लिमिट बोरोइंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज, इट वायलेट आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे सेंटर ने केरल पे लिमिट लगा दी है कि इससे ज्यादा बोरो नहीं कर सकते मार्केट से, यार जब तक उसका फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है आप कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो उस पर कि आप बोरो नहीं करोगे मार्केट से। अगर और देखिए मोस्टली जो मार्केट से बोरिंग की जाती है ना, ये की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसी चीजें या पीडीएस जो स्कीम रन की जाती है, ठीक है, अनाज वनाज खरीदने के लिए, ये सब स्कीम्स ऐसे नहीं बजट से नहीं हो पाती हैं सिर्फ, ठीक है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आपको मार्केट से बोरो करना पड़ता है। अगर आप इस नेट नेट बोरोइंग सीलिंग, जिसको हम एनबीसी कहेंगे आगे, ओके, एनबीसी, अगर आप इस तरह की सीलिंग लगा दोगे तो आप तो सीधे सीधे जो डेवलपमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर का वही रोक दिया आपने तो, स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप तो स्टेट के सिस्टम को पैरालाइज करने की बात कर रहे हो। हाँ अगर किसी स्टेट पे सपोज कि इतना कर्जा हो गया जितनी उसकी पूरी स्टेट जीडीपी नहीं है तो समझ में आती है ऐसी सीलिंग। एनबीसी लिमिट्स द बोरोइंग ऑफ स्टेट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग ओपन मार्केट बोरोइंग, ठीक है, मार्केट से भी वो स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको रिविजन सीरीज में बताया था ना, जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जी सैक ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करती है, उसी तरह एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ केरल इज एजुटेटेड बाय द इंक्लूजन ऑफ डेट टेकन बाय स्टेट ओन एंटरप्राइजेस एट द स्टेट्स ओन डेट। नाउ सी, एक तो होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ डेट लिया, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट लिया है मार्केट से, ठीक। और दूसरा होता है कि स्टेट के अंडर में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं अलग अलग, ठीक है, जैसे सेंटर के अंडर में एफसीआई है, राइट। इस तरीके की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज, ये भी कुछ लोन लेती है मार्केट से, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स। जनरली ये जो स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनीज है वो मार्केट से जो लोन लेती है ना, उसको गवर्नमेंट के डेट में काउंट नहीं किया जाता था अभी तक, ओके, नहीं किया जाता है। बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भी डेट में इंक्लूड कर दिया है, यानी कि आप स्टेट गवर्नमेंट की सारी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, अगर वो कहीं से लोन रेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली सारे बिजनेस लोन से ही तो चलते हैं ना, छोटे से बड़े, आप लोन लेते हो, इनकम आती है, उसमें चुकाते रहते हो, बट आपने वो भी गवर्नमेंट के डेट में ही इंक्लूड कर दिया, तो ये डेट तो बहुत बड़ा दिखेगा आप। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनिशिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आर फंडेड बाय गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, ठीक है, अलग से बॉडी बनाई जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये जो अपने फंड रेज करते हैं वो एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग से ही लाते हैं वो लोग, सरकार बजट से थोड़ी दे सकती है हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसे, ठीक है। वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल टाइप चीजें बना देती है, लोन रेज कर लो आप लोग मार्केट से और अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करो, फिर वहां से जो रिटर्न आएंगे उससे अपना लोन चुकाते रहना, ऐसे ही वर्क करते हैं सारे प्रोजेक्ट। बट गवर्नमेंट ने इसको जो इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, डेट टेकन बाय स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एज द स्टेट्स ओन डेट, ठीक है, ये बहुत गलत किया है, इससे तो फिर पूरा डेवलपमेंट ही रोक दीजिए आप स्टेट का। अब यहां पर एग्जामिन ये करते हैं क्या सेंटर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में रह के सेंटर ने यह काम किया है। इसके लिए हमें देखना होगा आर्टिकल 293 क्लॉज 3, स्टेट हैज टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द सेंटर टू रेज लोन इफ एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस लोन एक्सटेंडेड बाय सेंटर इज आउटस्टैंडिंग। अगर सेंटर ने पहले से कोई लोन दिया था वो अभी बकाया है और उसके बाद भी आपको दोबारा कोई लोन रेज करना है तो आपको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ती है एज पर आर्टिकल 293(3). और सेंटर ने ये जो एनबीसी लगाई है ये इसी पावर को इन्वोक करके आर्टिकल 293 क्लॉज 3 को ही इन्वोक करके ये ऑर्डर पास किया है, ठीक है, एनबीसी जो लगाई गई है सीलिंग, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट अपॉन द पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट एज दिस फाइंड प्लेस इन एंट्री 43 ऑफ स्टेट लिस्ट।
ये स्टेट लिस्ट में आता है, आप इन्वोक नहीं कर सकते। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट रेजेस अनदर क्रूशियल आर्ग्यूमेंट दैट बैलेंसेज इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट। अब मैंने आपको बजट के डिस्कशन में बताया था, आपने देखा या नहीं देखा आई डोंट नो, ठीक है। मैंने आपको वहां पे बताया था हमारे पास तीन फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि प्रेसिडेंट वगैरह होस्ट करते हैं, इसको साइड रखिए, एक है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक, पब्लिक अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे वो सब चीजें रखी जाती है, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, कोई स्मॉल स्मॉल सेक्टर स्कीम वो चल रही है आपकी, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्ट करती है उसमें सरकार से पेंशन वगैरह के लिए, ठीक। तो ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया अलग है, यानी कि ये तो एक लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, जो कि आपको पब्लिक का पैसा है आपको चुकाना ही आज नहीं तो कल, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसमें सारा टैक्स का पैसा आता है, सेंट्रल टैक्स का पैसा जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि बैलेंसेस इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस सीलिंग। तो यार ये इसको सीलिंग में इन्वेस्ट करनी इंक्लूड करने की क्या जरूरत है, आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कीजिए ना आप, ये तो पब्लिक अकाउंट है, ये तो पब्लिक का पैसा है, वो तो उन लोगों ने अपनी सेविंग वगैरह की है गवर्नमेंट के, वो तो वापस चला जाएगा उनको, ठीक है। द स्टेट रिलाइज अपॉन आर्टिकल 266 क्लॉज 2 विच इंडिकेट दैट द मनी कलेक्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विच डू नॉट पर्टेन टू द कंसोलिडेटेड फंड कैन बी ब्रॉट अंडर द हेड ऑफ पब्लिक अकाउंट। ओके, ये मनी पब्लिक अकाउंट में जाना चाहिए, आप तो सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे सीलिंग लगाइए ना आप, इसको क्यों काउंट किया है आपने। सो सेंटर हैज नो पावर टू इंक्लूड द विड्रॉल्स फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट इन दिस सीलिंग। तो यहां पे भी सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। केरल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को देख लेते हैं, FRBM एक्ट जो स्टेट लेवल बनाता है। केरल शैल रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ स्टेट GDP बाय 2025-26, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने तो फिर भी कहा है कि हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% पे ले आएंगे, जबकि जबकि आपका जो सेंटर है वो तो उसका तो डेफिसिट बहुत हाई चल रहा है ना, 5.1 चल रहा है उसका। तो आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज स्टेट गवर्नमेंट दैट इज टास्क विद डिटर्मिनिंग द रेवेन्यू रिसीट एंड करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर एंड विद प्रेजेंटिंग द बजट ऑफ द स्टेट बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सब स्टेट डोमेन है, आपको इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कोई एक्सटर्नल सुपरविजन जैसी चीजें नहीं होती हैं। इवन अदरवाइज केरल फिस्कल डेफिसिट इज रिपोर्टेड टू हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टू 2.44% एंड रेवेन्यू डेफिसिट इज जस्ट 0.8% ऑफ स्टेट GDP। और सेंटर का देखिए जरा फिस्कल डेफिसिट कितना है, 5.8 एस्टिमेटेड फॉर 23-24। तो सेंटर अपने आप को देखे। और पता है जब से FRBM एक्ट आया ना 2003 से, तब से आज तक सेंटर ने कभी अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट अटैन नहीं कर पाई है, चाहे वो UPA गवर्नमेंट हो NDA गवर्नमेंट हो, कभी अचीव नहीं कर पाई है। और ये हर बार सीलिंग बढ़ाते रहते हैं किसान किसी उस पर। ओके, और आप स्टेट को लेसन दे रहे हो। सो द कैरेक्टर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इज मूविंग रैपिडली फ्रॉम कोऑपरेटिव टू वन दैट इज डिस्ट्रक्टिव एंड एनिहिलेटिव। ओके, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एनिहिलेटिव फेडरलिज्म। All right, so this topic was really lengthy. Okay, take a 1 minute pause. I hope आपको ये topic समझ में आया हो। ये सब आपको समझाने के लिए था, बाकी तो केरल के कंटेक्स में आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि ये जो NBC इम्पोज की गई है केरल पे, ठीक है, दिस इज इवन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। एंड इट इज लाइक कंस्ट्रक्टिंग लाइक कंट्रोलिंग और यू कैन से द मैनिपुलेटिंग द स्टेट गवर्नमेंट। एंड लेट मी टेल यू, केरल से ज्यादा कर्जा ना मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार पर है। ओके, तो ये तो अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो आप बस कि स्टेट का कैसे डेवलपमेंट एकदम हम रोक दें, कोई नई चीज ना बन पाए और फिर कल को इलेक्शन में कि यहाँ तो डेवलपमेंट होता ही नहीं है बिल्कुल। ओके, तो ये सही नहीं है। और ये वर्ड जरूर यूज करना, ओके, दिस पॉइंट मस्ट बी यूज इन द कंक्लूजन अगर कभी मौका मिले तो। ऑलराइट, मालदीव्स के बारे में देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड? ओके, ये टूरिस्ट बता रहे हैं आपको 2023-2024 में, ये है चाइना के टूरिस्ट, 6,500 से 25,000, ओके, अराउंड 6,500 टू 25,000, इतने टूरिस्ट बढ़े एक साल में। इंडिया के कम हुए 21,000 से 16,000 स्पाइसेस इंसिडेंट के बाद। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्चार्ज शोज द वैल्यू ऑफ आइटम्स इंपोर्टेड बाय मालदीव्स फ्रॉम इंडिया। अब ये देखिए कि 100% शिप एंड गोट हमसे इंपोर्ट करता है, ठीक है, अराउंड 90% ग्रेनाइट, मेडिकमेंट्स, राइस एंड सो ऑन। और ये वैल्यू के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में, तो ग्रेनाइट की वैल्यू भी देखिए $80 मिलियन। सिमिलरली इंडिया एक्सपोर्ट 70% ऑफ इट्स कैबेजेस एंड कॉलीफ्लावर and 20% of eggs and over 10% of melons and live animals and nuts to Maldives, ठीक है, लेकिन इतना important नहीं था।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पर। एक तो ये लिखा है ORN में, आपकी जो ऑफिसर्स अकेडमी है ना, ऑफिसर्स IAS अकेडमी, उन्होंने लिखा है, ठीक है। आर रंगराजन, द फॉर्मर IAS ऑफिसर एंड ऑथर ऑफ पॉलिटी सिंप्लीफाइड, जो ऑफिसर अकेडमी को रन करते हैं। हमने एक बार और पहले देखा था डिलिमिटेशन के बारे में कि 10 लाख ऑन एन एवरेज 10 लाख पर पीपल एक सीट दी जाती है लोकसभा में, ठीक है। अगर ये इसी तरह का हमने क्राइटेरिया रखा, तो अगर अब हम लोग डिलिमिटेशन करेंगे, अब देखिए पहली बात तो ये है कि 2021 में जनगणना होनी थी, सेंसस होना था 2021 में, एक बट नहीं हो पाया कोविड की वजह से। उसके बाद सेंटर इसको लगातार टालता रहा, क्यों? क्योंकि हमने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था हमारा, उसमें हमने ये कह दिया था कि हम 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा उस बेस पर डिलिमिटेशन करेंगे। डिलिमिटेशन मतलब नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा चेंजेस चेंज की जाएंगी, और नंबर ऑफ सीट्स के साथ साथ इनकी टेरिटरी भी, मतलब कितना एरिया कवर करेगी एक सीट, ठीक है, उसको डिमार्केट किया जाएगा। अब अगर सोचिए कि सेंटर ने 2021 का सेंसस करा लिया होता, ओके, तो इस बेसिस पर तो डिलिमिटेशन कर नहीं पाते। कंडीशन क्या रखी गई है कि 26 के बाद जो पहला सेंसस होता है, यानी कि 2031 का जो सेंसस होता ना, उस बेसिस पर डिलिमिटेशन की जाएगी। तो शायद इसको सेंटर ने जानबूझकर टाला है, ताकि ये सेंसस अब अगर कराया जाएगा 2026 के बाद, या 2026 में ही कराया जाए, तो बस उसके बाद 26 के बाद, यानी कि 2026 या 27 में जो सेंसस होगा उस बेसिस पर डिलिमिटेशन की जाएगी। और ये डिलिमिटेशन होना श्योर भी है, गवर्नमेंट के इंटेंशन पता चलते हैं आपको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स में नंबर ऑफ सीट से, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स भी काफी ज्यादा रखी गई है, तो ये तो श्योर है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी। अब बात ये है कि अगर हम यही क्राइटेरिया रखते हैं 10 लाख पर सीट, तो ऐसे में यूपी, जिसके पास अभी 80 सीट्स हैं, इसकी सीट बढ़ के चली जाएंगी 143 के आसपास, ठीक है। मतलब एक बात समझ में आ रही है आपको कि नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं, जिनकी पॉपुलेशन हाई है, दे विल गेन मोर लोकसभा सीट्स, जबकि जो सदर्न स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, ठीक है, दे विल लूज ऑन नंबर ऑफ लोकसभा सीट। यानी कि जो भी पार्टी नॉर्दर्न स्टेट्स में अपना वोट बैंक स्ट्रांग रखेगी, वो हमेशा सेंटर पे रूल करेगी, और जो पार्टी सदर्न स्टेट्स में होंगी, उनके पास वॉइस ऑलरेडी बहुत कम हो जाएगा। यानी कि कोई इंपॉर्टेंट बिल्स वगैरह भी अगर पास होने होंगे, तो उसमें इनके पास नंबर ऑफ वोट्स बहुत कम हो जाएंगे, राइट। इसलिए सदर्न स्टेट्स का एक जेन्युइन कंसर्न है कि ये डिलिमिटेशन आप कैसे करोगे और कब करोगे, ठीक है। फर्स्ट सेंसस आफ्टर 26 होता क्या है डिलिमिटेशन, इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट। इट विल डिटरमिन दिस सीट्स टू बी रिजर्व फॉर एससी एसटी एज वेल, प्रेजेंट पॉपुलेशन के लेवल पर। आर्टिकल 82 एंड 70 बताते हैं नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज डिवीजन इन टू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि कौन सा एरिया, कितना एरिया आएगा कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इट विल बी रीएडजस्टेड आफ्टर एवरी सेंसस। और डिलिमिटेशन कमीशन ये सेटअप की जाती है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि आप कह सकते हो कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सच डिलिमिटेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, तो नंबर ऑफ सीट्स हमने पहले तो चेंज करते रहे 51 में, 61 में, 71 में, बट उसके बाद हमें लगा 71 तक आते आते कि यार सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन नीचे जा रही है, नदर स्टेट्स की तो उल्टा बढ़ रही है, तो ऐसे में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था पॉलिटिक्स में, तो फिर इसको फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। इसको फ्रीज कर दिया गया कि 543 सीट्स ही रखी जाएंगी लोकसभा में, नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ाई जाएंगी, ओके। और तो आप कह सकते हो कि ये रिप्रेजेंट, हम लोग आज जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है 1971 की पॉपुलेशन को, जो कि सिर्फ 54 करोड़ थी, आज हम लोग 141 करोड़ के आसपास हैं। और सीट कितनी रखी गई थी, 10 लाख पर सीट, 10 लाख पॉपुलेशन पर सीट, फ्रोजन कर दी गई 1971 सेंसस से टू एनकरेज द पॉपुलेशन कंट्रोल। 42nd अमेंडमेंट ने फ्रीज की थी, उसके बाद फिर इसका जस्ट डबल कर लीजिए 42 का 84, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम इन्होंने 26 तक फ्रीज कर दी, यानी कि पहले 25 साल फ्रीज की, फिर दोबारा 25 साल फ्रीज की, ओके। नाउ अब ये रीएडजस्ट की जाएंगी आफ्टर द फर्स्ट सेंसस, विल बी रीएडजस्ट आफ्टर फर्स्ट सेंसस आफ्टर 26। बाउंड्रीज भी रीएडजस्ट की जाएंगी, नंबर ऑफ सीट्स भी, एंड सीट्स फॉर एसटी एससी विल बी डिटरमाइंड एज पर 2001 सेंसस, ये वापस से चेंज की जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए हमने 50 साल के फ्रीज जरूर की है, लेकिन एससी और एसटी की सीट्स चेंज होती रही हैं, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है आज लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो बिल्कुल इनकी आज की करेंट पॉपुलेशन के हिसाब से ही है, ठीक है। तो आइडियली तो 2031 के सेंसस के हिसाब से होना था, बट गवर्नमेंट ने 21 वाला ही सेंसस डिले कर दिया गया है, और वो शायद 26 के आसपास हो जाएगा अब सेंसस। ऑलराइट, नाउ अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए अगर हमने नंबर ऑफ सीट्स चेंज की, तो ऑब्वियसली बात है कि सदर्न स्टेट्स लूज करेंगे, ठीक
है, स्मॉलर स्टेट्स लाइक पंजाब हिमाचल भी लूज करेंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी डिसएडवांटेज पर होंगे। फायदा किसको होगा? यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान जैसों को। ओके, सो दिस मे गो अगेंस्ट द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल प्रैक्टिस दी है, इसमें से मैं सिर्फ आपको एक बताऊंगा जो कि शायद हमारे यहाँ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी चाहिए हमें, और उस टर्म को भी आप समझ लीजिए। दिस इज द टर्म एज डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ठीक, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, और ये सदर्न स्टेट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन कम है। तो यूनिफॉर्म मत रखिए कि 10 लाख लोगों पर एक सीट, नहीं, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, आपको 20 लाख पॉपुलेशन पर हम एक सीट देंगे लोकसभा में। सदर्न स्टेट, आपने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, बधाई हो, उसके लिए हम आपको 10 लाख पॉपुलेशन पर ही एक सीट देंगे। इसे कहते हैं डिग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक तरीका है जो शायद स्टेट सदर्न स्टेट फिर भी एक बार को एग्री कर जाएंगे इस पे, लेकिन अगर आपने बराबर रखा 10 लाख पर सीट, तो सदर्न स्टेट बहुत लॉस में जाएंगे। एंड आप कह सकते हो कि जैसे ये जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है इस एरिया में, जिस पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा ज्यादा होगा वो लोकसभा में उसकी वॉइस ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। इंडिया ने अपने सिटीजन्स को कहा है म्यांमार से कि प्लीज अब छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं। इसके म्यांमार के रिगार्डिंग मैंने काफी सारे डिस्कशन आपसे किए हैं, बाकी मैं डिस्कशन को सेपरेटली मेंस 450 में करूंगा, ओनली ओनली फ्रॉम इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, कि हमारे इंडिया के लिए कैसे एक थ्रेट बनता जा रहा है, क्योंकि हम बॉर्डर तो सील करने जा ही रहे हैं अपनी पूरी। ठीक है, वो जो फ्री बॉर्डर रिजीम थी 16 किलोमीटर वाली, वो भी हम बंद कर रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे तीन ग्रुप लड़ रहे हैं, एक तो वो एथनिक ग्रुप्स हैं सारे के सारे, ठीक है, दूसरा जो एक्साइल में जो गवर्नमेंट है उसने अपनी एक आर्मी बनाई है पीडीपी, और तीसरा इनकी जो आर्मी जनता जो रूल कर रही है, ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं। और चाइना का एंगल भी मैंने आपको यहां पे बताया था कि चाइना अरागन आर्मी को जो चीन स्टेट में कैप्चर कर चुकी है, उसको 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 एनकरेज कर रहा है, ताकि हमारा जो कलादान प्रोजेक्ट है या जो भी हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वहां पर, जैसे आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे, ये सब ड्रिल किए जा सकें। ठीक है, तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट इंडिया को परेशान करने के लिए, वो भी हमने डिस्कस किया था और करेंगे दोबारा। आजकल ये एक नई चीज लेकर आए हैं, हाउ द अनक्रूड स्पेस सरफेस व्हीकल, कोई क्रू नहीं होता इनमें, बस इन शिप को यहां खड़ा कर देते हैं, आइए कोई आइए, दूसरी शिप जैसी नजदीक आएगी ब्लास्ट कर देंगे। ठीक है, वो उस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान में अभी मैं आपको एक न्यूज दिखाऊंगा, वहां पे इमरान खान का जो कैंडिडेट था नवाज के अगेंस्ट, नवाज शरीफ के, उसको आर्मी ने किसी केस में अरेस्ट कर लिया। मतलब एक चीज श्योर है कि आर्मी ने डिसाइड कर लिया है दैट नवाज शुड बिकम द अगेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उसने डिसाइड कर लिया आर्मी ने, और वही होगा, तो वहां पे प्री इलेक्शन हो ही नहीं सकते कभी। जैपोरिजा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर न्यूज है यूक्रेन से, और ये टर्म ना आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था, तीन स्टेट में पूछे गए थे तीन सिटीज के नाम, उसमें से थर्ड वाला जैपोरिजा ही था, कहाँ पर है? यूक्रेन में। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है आपसे प्रीलिम्स में, ध्यान रखिएगा। इथियोपिया, ठीक है, इनको डर है सोमालिया के साथ वॉर होने का, क्योंकि आप याद कीजिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, सोमालिया उसका एक छोटा सा एरिया है जिसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट, सोमाली लैंड। अगर आपने रेड सी वाला मेंस 450 का वीडियो देखा होगा तो पता होगा, ठीक है, उसी में डिस्कस किया था ये सब। ओके, तो सोमाली लैंड को किसी ने रेकग्नाइज नहीं किया दुनिया में, बट इथियोपिया ने कहा था कि इथियोपिया क्या लैंड लॉक्ड हो गया है, एरिट्रिया था उसके पास पहले, वो अलग हो गया उससे, तो वो अलग देश बन गया, तो इथियोपिया अब वो है, ठीक है, लैंड लॉक। इसने कहा था सोमाली लैंड से कि आप मुझे यहाँ पर एक पोर्ट दे दीजिए, ठीक है, ताकि मेरे को कनेक्टिविटी मिल जाए सी से, और मैं आपको रेकग्नाइज कर लूंगा। तो बाकी का जो सोमालिया बच गया, ठीक है, उसने कहा है कि ये गलती नहीं करना, हम आप पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे, हमारा रीजन है सोमाली लैंड, वो भले ही अपने आप को अलग माने बट हम सोमालिया का ही पार्ट है हमारा, तो आप ऐसे कैसे रिकग्नाइज कर सकते हो उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन। और मैं आपसे जानना चाहूंगा उस पोर्ट का नाम, ठीक है, क्योंकि वो पोर्ट न्यूज में था, ये एग्जाम में आपको मिल सकता है, तीन चार पोर्ट के नाम दे दिए जाएंगे, कौन सा किस कंट्री में। अभी मैंने आपको शुरू में एक ग्रीस में बताया, ठीक है, हाइफा पोर्ट मैंने आपको इसराइल में बताया, और यहां पर ये पोर्ट के आने के ज्यादा चांसेस इसलिए हैं क्योंकि सोमाली लैंड का इशू है ना यहाँ पर रिकग्निशन वाला। ठीक है, तो मैं आपसे ये पोर्ट का नाम जानना चाहता हूँ, जो अगर आपने रेड सी वाला मीन्स 450 वीडियो देखा होगा तो ही आप बता पाओगे। ओके, सो आई वॉन्ट टू नो दैट। दूसरा, इथियोपिया के लिए एक और कंसर्न ये है कि इथियोपिया ने यहां पर बनाया है ग्रैंड रेनेसा डैम, ग्रैंड रेनेसा डैम, ठीक है, ग्रैंड रेनेसा डैम बनाया है इसने, और इथियोपिया से निकलती है ब्लू नाइल रिवर जो कि मेजोरिटी पानी कैरी करती है, और ये जाती है इजिप्ट में,
और इजिप्ट ने भी धमकी दी थी कि आप ये इस तरह का डैम रोक दीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, मेरे यहाँ पानी की कमी हो जाएगी, मेरी मेरी 70% पॉपुलेशन इसी रिवर के बॉर्डर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इजिप्ट ने भी धमकी दी थी कि मैं आप पे अटैक कर दूंगा, इथियोपिया पे। ठीक है, तो ये दो जगह से इसको वॉर की धमकी मिल रही है। ये समझ में आया? इथियोपिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द ब्रेक अवे रीजन ऑफ सोमालीलैंड। ठीक है, उस पोर्ट का नाम जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इथियोपिया एग्रीड टू रिकॉग्नाइज इट्स इंडिपेंडेंस इन रिटर्न ऑफ द नेबल पोर्ट। अब सोमालिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि ही इज रेडी टू गो टू वॉर विद इथियोपिया टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिल्डिंग ए पोर्ट। ठीक है, जो वो सोमालीलैंड में बनाना चाहता है। यहाँ पे क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है? अलशबाब। मैंने आपको सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट दे रखी है कंट्री वाइज, या जिस रीजन में वो एक्टिव है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर अगर आप वहां पे होंगे तो आपने देखी होगी। उसी तरीके से ये जो इनके प्रेसिडेंट है मिस्टर एबी, इन्होंने कहा है कि इजिप्ट को कहा है कि आप डरिए मत, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की वजह से हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन हमें भी जरूरत है क्योंकि हम लोग को भी अपने लोगों का डेवलपमेंट करना है और हमारे यहाँ काफी भयंकर ड्रॉट पड़ जाता है हर साल। ओके, तो इथियोपिया का भी कंसर्न जानबीन है, बट बात यह है कि जो भी कर रहे हो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके करो ताकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। ऑलरेडी वर्ल्ड में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। यहाँ पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑल टाइम हाई 11.7%, ऑलमोस्ट 12%, मैंने बजट वाले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो वहां से आपने देख लिया होगा तो ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हमको बढ़ाना है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको इंडियन एक्सप्रेस में कवर करूंगा। फिलहाल इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर लेते हैं। बायोफ्यूल सेक्टर को हम प्रमोट कर रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला। 2014 तक हम लोग 1.5% मिक्सिंग करते थे, आज हम लोग 12% तक मिक्स कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे कार्बन एमिशन तो घटते ही है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी सेव होते हैं, उतना ही क्रूड ऑयल हमें कम इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025। इसके अलावा गवर्नमेंट कह रही है हम 5,000 कंप्रेस बायोगैस प्लांट भी इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एक टर्म है VRR ऑक्शन। ये क्या होता है? वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। देखिए, इकोनॉमी का अगर रिवीजन सीरीज आपने ज्वाइन किया तब तक आप समझ गए होंगे रेपो रेट रिवर्स रेपो। यहाँ पर आरबीआई है, यहाँ पर बैंक है। ठीक, बैंक को अगर अपना रुपया, बैंक को अपना पैसा जमा करना है आरबीआई के पास, आरबीआई कहता है चलो मैं जो पैसे दो मैं आपको इस पे इंटरेस्ट दूंगा। ठीक, अगर सपोज बैंक के पास कोई नीचे लोन लेने नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो उसके सरप्लस पड़ा हुआ है तो वो ऊपर आरबीआई के पास जमा कर देगा कि चलो कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसी को कहते हैं आप रिवर्स रेपो रेट। अरे, अब ये वेरिएबल वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि हमने विंडो जो देखी थी उसमें क्या था, एक तरफ एमएसएफ था, एक तरफ रेपो रेट था और एक तरफ रिवर्स रेपो रेट था। आरबीआई सिर्फ इसको चेंज करता था, फिर 0.5 या जो भी विंडो रखे वो चेंज हो सकती है। ठीक है, 0.5 ही चला जाता था, ये +0.5 हो जाता था और ये -0.5, यानी कि अगर रेपो रेट 4% है तो ये 3.5, सॉरी 4.5 हो जाता था एमएसएफ और ये 3.5 हो जाता था। ठीक है, लेकिन ये तो लिंक था रेपो रेट से, बट यहाँ पर ये वेरिएबल लाया है अलग से, यानी कि ये हाई लेगा, हाई इंटरेस्ट देगा आपको जब उसको सक करनी होगी लिक्विडिटी, यानी बैंकों से पैसा ऊपर खींचना है। ठीक है, मनी सप्लाई रिड्यूस करना है यहाँ पर, तो उसी का एक टूल है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ओके, टू ड्रेन आउट द लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। इट इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ टू VRR ऑक्शन बींग हेल्ड ऑन द सेम डे। एट दिस ऑक्शन बैंक ऑफर्ड टू पार्क 41,000 करोड़, और रेट क्या दिया है आरबीआई ने? 6.49। काफी अच्छा रेट है, तो बैंक ऊपर जमा करेगा ही ना पैसे। बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन, अब ये मैंने आपको 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर के साथ डिस्कस किया था, आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं आया होगा तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वाले में दोबारा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कि बॉन्ड ग्लोबल बॉन्ड में अगर हम अपना इंक्लूड करवा पा रहे हैं गवर्नमेंट जीसैक गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होंगे। ऑलराइट, वो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, दोबारा ब्रेनस्टॉर्मिंग में डाल देंगे, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मोटिव यही रहता है आपका, इतना रिवीजन हो जाए और चीजें इतनी क्लियर हो जाए आपको कि आपको वो रटने वाला काम ना करना पड़े, वरना मेंस में फंस जाओगे। रटने वाली चीज करोगे ना प्री के बाद दिक्कत हो जाएगी, फिर मेंटल प्रेशर लेते फिरोगे। इंडिया विल मॉनिटर द फ्लोज ऑफ फॉरेन फंड आफ्टर द इंक्लूजन इन टू जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स एंड टेक स्टेप्स टू अवॉइड हॉट मनी दैट कैन ट्रिगर वोलेटिलिटी इन करेंसी बॉन्ड मार्केट। लास्ट ईयर जेपी मॉर्गन ने कहा था हम इंक्लूड करेंगे सम इंडियन बॉन्ड, सारी नहीं, सम इंडियन बॉन्ड्स इन द गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट। ठीक है, इसके बेनिफिट चैलेंजेस मैंने पहले डिस्कस कर दिए आपके साथ। ओके, ये तो हो गया था हिंदू, जल्दी से इंडियन एक्सप्रेस पर भी नजर डाल देते हैं। अब देखिए, एक फैक्ट है कि इंडियन एक्सप्रेस को पता नहीं क्या हुआ है आजकल, इसके जो एडिटोरियल्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। जब से राम मंदिर बना है तब से या तो ये राम मंदिर पे एडिटोरियल देगा आपको या बजट पे देगा बार बार, वो भी ऐसे बजट पे जो सिर्फ इंतरिम बजट है। ठीक है, पोर्ट ऑफ अकाउंट है, अभी तो फुल बजट भी नहीं है, तो ऐसी बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपको फॉलो नहीं करनी, तो इंडियन एक्सप्रेस भी आजकल ज्यादा यूजफुल नहीं आ रहा है।
एनीवे, कैंडिडेट बैक्ड बाय इमरान अगेंस्ट द नवाज इंडिकेटेड इन टेरर केस, उस कैंडिडेट को फंसा दिया टेरर केस में, तो ऑब्वियस बात है वो तो आर्मी ने डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है उनको। सिमिलरली 114 म्यांमार सोल्जर्स टेक रेफ्यूजी इन बांग्लादेश, म्यांमार की आर्मी लड़ नहीं पा रही है एथनिक वालों की जो एथनिक ग्रुप है इनके साथ, ठीक है। इस पर हम बहुत जल्द मीन्स 450 प्लस में डिटेल में सेशन करेंगे, ठीक है, एक दो दिन के अंदर कर देंगे। और हाँ, मैंने आज ही आपके साथ ना इस पे सेशन किया है, ठीक है, पेमेंट बैंक इन इंडिया, क्योंकि पेटीएम इशू मैंने इसी में समझा दिया है आपको हार्डली 5 मिनट में। पेटीएम इशू आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा पूरा जो हमारा पेमेंट बैंक सिस्टम है इंडिया का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, पेमेंट बैंक बनने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो वो मैंने समझा दिया है, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, बट वो एक्सेस शायद सिर्फ उन्हीं को होगा जो सब्सक्राइब स्टूडेंट है, उन्हीं को एक्सेस मिले, एक्सेस कर पाएंगे वो उसको, ठीक है। तो देख लीजिएगा अगर आप हैं उस उन स्टूडेंट्स में से। यूसीसी अगेन हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लिए हैं, बार बार बाकी चीजें नहीं। आर्मी अपीयर सेट टू इंस्टॉल नवाज इन पावर अगेन, वो डिसाइडेड है ऑलमोस्ट। यहाँ पर एक वर्ड है एटमोस्फेरिक रिवर, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या होती है, ठीक है। द एटमोस्फेरिक रिवर्स आर लार्ज नैरो सेक्शंस ऑफ अर्थ एटमोस्फियर दैट कैरी मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ ट्रॉपिक्स नियर द इक्वेटर टू द पोल्स, ठीक है। इक्वेटर से पोल की तरफ अर्थ का मॉइस्चर कैरी करके ले जाते हैं। ऑन एन एवरेज अर्थ हैज 4 to 5 एक्टिव एटमोस्फियरिक रिवर्स, वेन दे रीच लैंड एटमोस्फेरिक रिवर्स रिलीज द मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग हैवी स्नो एंड रेन, ओके। बस इतना ही जानना है उसमें। पाकिस्तान की बात है तो इंडिया के कंटेक्स्ट में तो बात सिंपल सी है कि वहां पे तो मिलिट्री ने डिसाइड कर लिया है, बट पाकिस्तान का जो ये सपोर्ट है टेररिज्म को, ये हमारी भरी है। तो आर्मी चीफ जो है उसके असीम मुनीर, वो तो डिफेक्टो रूलर्स वही हैं। बाकी सी जितना मुझे लगता है कि इसी साल शायद 24 में ही हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा जो बीजेपी का तीसरा प्रॉमिस है, राम मंदिर डन, आर्टिकल 370 डन, अब रह गया सिर्फ पीओके। आई फील इसी साल हमें विंटर्स में जरूर मौका देखने को मिलेगा दैट इंडिया विल मेक ए मूव टू गेट बैक दी पीओके। ओके, गवर्नमेंट की बातों से इस तरह की चीजें लगती भी हैं और शायद इसी साल होगी, लेट्स सी। कार्टी सेल थेरेपी, इसको यार मैं अलग से करा दूंगा, वैसे ये न्यूज काम की नहीं है बट ये थेरेपी बहुत काम की है, ठीक है, इसको अलग से ट्रीट कर पाएंगे हम। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पे दिए भी हुए हैं कुछ पॉइंट्स, बट उसको समझाने के लिए पहले मुझे आपको टी सेल्स एंड बी सेल समझाने होंगे, बट फिर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। द पेशेंट्स, पेशेंट्स के ही टी सेल जो कि एक तरह के इम्यून सेल होते हैं, दे आर कलेक्टेड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड इनटू पोटेंट कैंसर फाइटिंग सेल्स, ठीक है। इनको कलेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी से, थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है यूजिंग द इंजीनियरिंग, और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्टी सेल्स में, सो दैट दे एक्सप्रेस द चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ओके। और ये रिसेप्टर्स पे लगाए जाते हैं स्पेसिफिक टू द कैंसर सेल। द मॉडिफाइड कार्टी सेल्स आर देन एक्सपेंडेड इनटू द लेबोरेटरी बिफोर बीइंग इन्फ्यूज्ड बैक इनटू द पेशेंट। वंस इन द बॉडी दीज इंजीनियर सेल्स रिकॉग्नाइज एंड अटैक कैंसर सेल्स विद फोकस ऑन बी सेल कैंसर्स, दस ऑफरिंग ए टारगेटेड एंड पोटेंट इम्यूनोथेरेपी, ठीक। ये सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको ये करा दूंगा अलग से ब्रेनस्टॉर्मिंग में विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के सेशन में हम इसको समझ लेंगे, ठीक है, ज्यादा वो सब नहीं करना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे 10-10 मिनट्स के सेशन में आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होते जाएंगे, और फिर आपको जब ये चीज बार बार रिपीट होगी तो आपको न्यूज़पेपर में उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। आज न्यूज़पेपर का डिस्कशन थोड़ा लेंदी हो गया होगा, ये एग्री, बिकॉज ये जो सदर्न स्टेट का कंसर्न था उसको डिटेल में डिस्कस करना जरूरी था। अगर मैं उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग में डालता तो फिर वो कुछ बच्चे देख पाते और कुछ नहीं देख पाते, तो फिर वो उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता न्यूज़पेपर का। वैसे आपको ज्वाइन करना चाहिए वो इनिशिएटिव, वो उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। कुछ बच्चों ने कहा था कि उनको कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस करनी है, तो मैंने वो कर दी थी यार, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते अब, अदरवाइज वो मोटिवेशन ही नहीं रहता फिर कुछ करने का। बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस टीचिंग फॉर जस्ट हॉबी पर्पज और टाइम पास पर्पज, बट इट्स नाउ फुल फ्लेज्ड करियर यार, ओके। एंड एवरीवन डू सम जॉब टू अर्न अ लिविंग, राइट, ओके। सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट कि इट्स काइंड ऑफ passion for teaching or I am also a student who is giving attempts, so nothing like that. I am investing my 8 to 10 hours in this on the channel itself, so what else I will do to earn a living, right? So isliye wo please abhi tak 3 bacche aise bol chuke hain ki isko free rakho, so that's not possible, so please try to understand, okay. Even your family member work for a salary, right? No one work for free in your family too, okay. So sorry for being harsh, but don't request same thing again and again, please.
बायस असेसमेंट कीप एसटीएससी पोस्ट वैकेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब ये खुद पार्लियामेंट्री हाउस पैनल कह रहा है। एंड मैं आपको पहले भी कहा है, मैंने अपने यहाँ से आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी का एग्जाम हुआ था उसमें एक लड़का जिसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे 194 समथिंग रिटर्न में, और यहाँ पर क्राइटेरिया ये था कि आपको 50 में से मिनिमम 20 मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो मोस्टली इंटरव्यू पैनल है उसमें सब जनरल कास्ट के लोग बैठे होते हैं, और यूपीएससी की अगर आप देखेंगे आई थिंक 14 या 16 मेंबर्स हैं वहां पर, ऑल कम्स फ्रॉम जनरल कास्ट। ठीक है, तो वो एक बायसनेस कुछ लोगों में होती है। उसी का नतीजा ये था कि ये बच्चा जो इंटरव्यू में रिटर्न में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया था उसको इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स भी नहीं मिले और 19.5 मार्क्स देकर उसको फेल कर दिया गया। ये ऐसे केसेस बहुत आए हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठे हुए लोगों में एक बायसनेस है अगेंस्ट द रिजर्वेशन। और अब ये बात सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये खुद पार्लियामेंट्री हाउस पैनल ने कही है विद रिस्पेक्ट टू एम्स। सेवरल कैंडिडेट फ्रॉम एसटीएससी कैटेगरी हैव बिन डेलिबरेटली, ओके जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड डेलिबरेटली, ऐसा नहीं कि वो काबिल नहीं थे, उन्हें डेलिबरेटली डिक्लेयर किया गया नॉट सुटेबल ड्यू टू बायस्ड असेसमेंट ऑफ सिलेक्शन पैनल एट एम्स दिल्ली। ओके, सो एक एक पॉइंट हमें यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो सिलेक्शन पैनल है इंटरव्यू पैनल उसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ही इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, वहां एसटीएससी के लोग भी बैठने चाहिए, ओबीसी के भी बैठने चाहिए। ओके, ताकि वो बायस्ड माइंडसेट ना हो। ओके, ये खुद पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट कह रही है, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। ऑलराइट, नाउ इन 2018 16 सीनियर फैकल्टी पोस्ट वेंट वेकेंट इन एम्स दिल्ली एज द सिलेक्शन कमिटी फाउंड कैंडिडेट्स नॉट सुटेबल इन एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी। सी, सिर्फ एससी एसटी की बात नहीं हो रही यहाँ, इवन ओबीसी कैटेगरी में भी आपको लिख दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल। और इसका रियल एग्जाम्पल हमने देखा था जीबी पंत यूनिवर्सिटी में जो कि यूपी में है। वहां पर उनको कैंडिडेट जनरल के लिए मिल गए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सिलेक्शन हो गए, एससी एसटी इवन हैंडीकैप फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी कैंडिडेट मिल गए, लेकिन ओबीसी के सामने लिख दिया गया था नॉट फाउंड सुटेबल। लेकिन जीबी पंत यूनिवर्सिटी का केस ही है। ऑब्वियसली बात है, यूपी ओबीसी इतनी हाई मेजोरिटी, इतनी पॉपुलेशन, एजुकेशन लेवल भी अच्छा खासा है, उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं नॉट फाउंड सुटेबल तो वो क्लियर आपकी बायसनेस दिखाता है। और यही बात पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कह रही है, इन 2022 ऑल्सो 12 सच पोस्ट वर केप्ट वैकेंट। इट रिपीटेड द पोस्ट रिजर्व फॉर एसटी एससी कांट बी केप्ट वैकेंट फॉर मोर देन 6 मंथ्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आपको एक बार नहीं मिले कैंडिडेट सुटेबल तो आप दोबारा कराइए कुछ महीने बाद इंटरव्यू। कमिटी कंसिडर द व्यू दैट मेंबर्स फ्रॉम एसटी एससी कम्युनिटी शुड बी मैंडेटरली इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन कमिटी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस इशू कि आप जो इंटरव्यू पैनल है, जो सिलेक्शन पैनल है, उसमें इनके मेंबर्स इंक्लूड कीजिए। अगर सब जनरल कास्ट वाले बैठेंगे तो वो सब में नहीं होता मान लिया, बट कुछ में भी अगर वो माइंडसेट है तो वो बच्चे का अटेम्प्ट उसका ईयर खराब हो जाएगा। अगर वहां पैनल बैठा हुआ एक भी चेयरमैन उस तरह का बायस्ड एटीट्यूड रखेगा तो उस लड़के का साल खराब हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसलिए अमेंडमेंट करने की जरूरत है एम्स में टू इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम एसटी एससी कम्युनिटी इन द सिलेक्शन बोर्ड एज वेल। पैनल साइड द रिजर्वेशन एंड सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज वॉज नॉट बींग एक्सटेंडेड टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। ओके, सो ये बात फिर वहीं आ जाती है जो आपके ट्विटर वगैरह पे चलता रहता है कि द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य कि अंगूठा काट लो तो फिर कहां से कॉम्पीट कर पाएगा स्टूडेंट। ओके, तो ये बस एक पॉइंट याद रख लेना कि सिलेक्शन पैनल में हमें रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए, तभी वो चीज हो पाएगी। और रही बात आपके पीएससी और इंटरव्यूज की, तो ये रोल नंबर से होने चाहिए ना कि आपके नाम से। एक इंटरव्यू पैनल को क्यों जानना है किसी बच्चे का सरनेम? सरनेम से कास्ट पता चल जाती है। आप रोल नंबर वाइज बुलाइए ना बच्चों को, अब मत पूछिए उससे उसका नाम, एटलीस्ट सरनेम मत पूछिए। कर्नाटका केरल प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर्स फाइनेंशियल एट्रोसाइट्स टू दिल्ली एंड तमिलनाडु लैंड सपोर्ट, ये हमने देख लिया, ठीक है, डिटेल में देख लिया कुछ ज्यादा। ईरान ने 15 दिन के लिए वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ किया है इंडियंस को, बट ओनली फॉर टूरिज्म पर्पज। तो आप कोट कर सकते हो कि हम कैसे हमारे रिलेशन है ईरान के साथ। इंडिया टू फेंस 1643 किलोमीटर बॉर्डर अलॉन्ग म्यांमार, ठीक है। अच्छा, म्यांमार को गार्ड कौन सी फोर्स करती है, ठीक है। और सिमिलरली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को कौन सी फोर्स गार्ड करती है, और नेपाल भूटान को कौन सी फोर्स गार्ड करती, मुझे ये तीनों के जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में। सी आई एम मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स आना जरूरी है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आप देखिए उस तरह का माइंडसेट मत रखिए कि जो चीज़ जहाँ से मिली वहां से कर ली, नहीं, किसी एक पे स्टिक रहिए एंड उसी से फॉलो कीजिए, तभी सामने वाला आप में वो इंप्रूवमेंट विजिबल कर पाएगा जो आप खुद देख सकोगे कि आप इंप्रूव हो रहे हो। ओके, सो इधर उधर चैनल्स पे जंप मत किया कीजिए, किसी एक को फॉलो कीजिए जिसको करना है।
कि ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मुनीर, उनके बारे में है, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आर एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे जो लॉ लाए हैं चीटिंग वगैरह रोकने के लिए, वही सब है, क्योंकि पेपर लीक होता है, एग्जाम कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा, बट अल्टीमेटली बच्चे सफर करते हैं ना, कोई पॉलिटिक्स सफर नहीं। ये इशू आज तक पता है मेजर इलेक्शन इशू नहीं बन पाया है, पेपर लीक्स, जॉब्स बेचना, ये सब नहीं बन पाया आज तक। कोई पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न ही नहीं है इनके बारे में, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बट अगर आप इनको फॉलो भी करते हैं तो एक बार गूगल पे जाकर इनकी जो हिस्ट्री है वो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं उनके बारे में यहाँ नहीं बोलूंगा कुछ, बट आप खुद से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये बजट को ही एनालाइज कर रहे हैं, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, फुल बजट भी नहीं है, और हमें जितना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है उतना हमने कर लिया है, हमें ये एक्सपर्ट एडवाइस नहीं जाननी है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑल दिस। यहाँ पर ये जो है मिस दिव्या द्विवेदी, इन्होंने एक अच्छा एनालिसिस निकाला है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हैं उनमें सुसाइड रेट ज्यादा होता है, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाते हैं वहां पर। ऑलमोस्ट 36,000 सुसाइड बाय स्टूडेंट बिटवीन 2019 टू 2021, ए लैक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेटा। इसके बारे में एक तो कोई डेटा नहीं है कि कौन से सोशल बैकग्राउंड के बच्चे या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। ओके, बट 122 सुसाइड्स हुए एलिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक IIT वगैरह में, ऑफ विच 68 वर फ्रॉम लोअर कास्ट कम्युनिटी। ओके, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं स्टडी के साथ, चलिए वो एक रीजन है, बट एट द सेम टाइम दूसरा रीजन बुली होना भी है। आपको देखिए, ये तो ऑब्वियसली बात है, कॉलेज में अगर कोई अच्छी ब्रांच है जिसमें सब बच्चे आ रहे हैं, कोई लड़का कहे कि मेरी तो 400 समथिंग रैंक थी और मुझे ये ब्रांच मिल गई है, ठीक है, बेस्ट ब्रांच मिल गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो समझ तो जाएंगे ये बच्चे कि ये रिजर्वेशन कैंडिडेट का है, बट एटलीस्ट आपको वो पसंद हो ना हो, बट एटलीस्ट यू डोंट हैव एनी राइट टू बुली हिम दैट तू रिजर्वेशन से आया, तू रिजर्वेशन से, नो, यू यू कांट, जस्ट कांट बुली हिम। ओके, वो गवर्नमेंट का की पॉलिसी है, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन, हमारे कंट्री में सबकी एजुकेशन स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है, कुछ का एजुकेशन हजारों साल से चला आ रहा है, किसी का ब्रिटिशर्स के आते से शुरू हो गया, किसी का आजादी के बाद शुरू हुआ है, और कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी हैं जिनका एजुकेशन अभी भी ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ है। सो एजुकेशन स्टार्टिंग लाइन हमारी सेम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो डोंट अब्यूज एनी वन दैट यू आर टेकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ वॉट एवर। उसके बाद कोचिंग जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करती है वो एक अलग ही प्रेशर डालती है बच्चों पर। अकेले कोटा में 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया है। अब ये एंशियंट ऑप्रेसिव कास्ट ऑर्डर फाउंडेड ऑन क्रेडिट इन इक्वालिटी एंड सब्जेक्शन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी एंड ऑटोनॉमी, ठीक है, पहले तो नॉर्म ही था ना इन इक्वालिटी, आप इस कास्ट से हो तो आप एजुकेशन ले ही नहीं सकते, बट एटलीस्ट मॉडर्न में आके हमने इक्वालिटी ऑटोनॉमी की बात तो की। पहले तो आप इम्पोज कर देते थे कि आप इस फैमिली में बर्थ हुआ है ना आपका, तो आपको यही काम करना है, और ये काम, ये जी इम्पोज कोई थोड़े साल नहीं हुआ है, ये 5,000 साल से हुआ है कि, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास तो पैसा है ना तो तुम कहाँ से बैकवर्ड हो गए। यार साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है एजुकेशन से, एटलीस्ट उसकी 3 जनरेशन को एजुकेशन तो लेने दो। यहाँ पर पेट्रो एलएनजी कतर एनर्जी एक्सटेंड द वाइटल एलएनजी सप्लाई डील बाय अनदर 20 ईयर्स बियॉन्ड 28। हमने 20 ईयर्स की डील की थी कतर के साथ, अभी कतर वही कंट्री है जिसका बड़ा डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है उस रीजन में, ठीक है। हमास के साथ मीडिएशन करना तो इसके थ्रू की है, तालिबान के साथ करना है इसके थ्रू की, इसने अपने राइट्स काफी बढ़ाए हैं पिछले कुछ टाइम में। एक टाइम था जब कतर में पूरी तरीके से यूएई और सऊदी का दबदबा होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक नया जब इनका किंग आया कतर का, छोटा सा देश है, बट उसने आके कहा कि नहीं, हमारी स्ट्रेंथ है गैस, ठीक है, और ये पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है और पर्शियन गल्फ में बहुत गैस है, इट इज अ थर्ड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर आफ्टर रशिया एंड ईरान, कतर इज द थर्ड रैंक, ठीक है, और हमने वही लिक्विफाइड नेचुरल गैस की ही डील इसके साथ की थी 20 साल के लिए। पेट्रोनेट एंड कतर एनर्जी इंक्ड ए डील टू एक्सटेंड द सप्लाई ऑफ 7.5 मिलियन टन पर एनम ऑफ एलएनजी फ्रॉम लेटर फॉर अनदर 20 ईयर्स बियॉन्ड 2028, ठीक है, पहले 20 साल की हुई थी, अब और 20 साल की कर लिए, व्हेन करंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू एक्सपायर। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में फायदा ये रहता है कि हमने जो प्राइस आज डिसाइड कर ली ना, अगले 20 साल हम उसी प्राइस पर उससे गैस परचेज करेंगे, चाहे कोई सप्लाई डिमांड में गैप आए या प्राइस में गैप आए। ओके, नेक्स्ट इज, आपको पता है कि हमने क्रूड ऑयल के रिजर्व्स बना के रखे थे अंडर रॉक कैवर्न, ठीक है, कुछ जगहों पर जैसे विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पुडुर, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कहते हैं इसको हम, कुछ खाली पड़े हुए थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि चलिए ये प्राइवेट रिफाइनरीज को ही दे देते हैं, आप ऑयल स्टोर कर लो इसमें। सेंटर ने डिसाइडेड टू लीज आउट अराउंड 1 मिलियन टन ऑफ वैकेंट स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी टू इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग गवर्नमेंट मनी, तो ये कोई बुरा डिसीजन नहीं है। गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 5,000 करोड़ टू फिल अप द वैकेंट कैपेसिटी इन द अंडरग्राउंड कैवर्न, बट इसको करने से बेटर है कि आप प्राइवेट वालों को लीज पे दे दो।
यहाँ पे पीएम मोदी ने वही कहा है, गैस के बारे में बात की, एनर्जी सेक्टर की, इंडिया इज इन्वाइटिंग इन द एनर्जी सेक्टर एट इन्वेस्टिंग इन एनर्जी सेक्टर एट अनप्रेसिडेंटेड लेवल इन व्यू ऑफ रैपिडली राइजिंग डिमांड। कंट्री इज ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड एलपीजी, तो ये एक डेटा याद रखिएगा। इसके अलावा फोर्थ, वी आर फोर्थ इन एलएनजी इंपोर्टर, क्रूड ऑयल रिफाइनर एंड ऑटोमोबाइल मार्केट। तो ये दो डेटा आप याद रखेंगे। इंडिया एम्स टू रैपिडली रेज इट्स रिफाइनिंग कैपेसिटी फ्रॉम अराउंड 254 मिलियन टन पर एनम टू 450 मिलियन टन एनम। ओके, और रिफाइनिंग की तो होती है ना, हम तो क्रूड ऑयल इन्वेस्ट इंपोर्ट करते हैं, क्या हम उसमें पेट्रोल, डीजल, वैक्स, कैरोसिन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी होगी उतना अच्छा है। फिर हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल, क्रूड ऑयल को, फिर ये सब बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट से भी अर्निंग होती है। ठीक है, इवन हम यूरोप को भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन प्राइमरी एनर्जी मिक्स टू 15% फ्रॉम ओवर 6% एज ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, और इसको करने से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होते हैं, इसमें कोल वगैरह ज्यादा पॉल्यूटिंग है। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ओके, सो प्लीज, हाँ, डू फॉलो दैट मेन्स 450 प्लस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज। राइट, बिकॉज पढ़ना है तो हॉलिस्टिक वे में पढ़ो, एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ो, सिर्फ ऐसा नहीं कि इधर उधर से कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप सिर्फ इधर उधर मटेरियल ही बटोरते रह जाओगे। किसी भी एक गाइडेंस को फॉलो करो, बट जस्ट कीप द रिजल्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।